क्या हो रहा है कि उसमें दो प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं। एक प्रवृत्ति तो है जो मानव पद में आने के बाद शुरू हो रही है कि न्याय से व्यक्त हो रहा है, और दूसरी प्रवृत्ति है जहां हम अवसर माने अपॉर्चुनिटी जिसको कह रहे हैं, अपॉर्चुनिस्टिक है ना। तो जैसा अपॉर्चुनिस्टिक व्यवहार किसको कहा जा रहा है, तो अपॉर्चुनिस्टिक व्यवहार कहा जा रहा है जो प्रिय हित लाभ, मतलब मैं समय देख करके यार अभी तो समय अच्छा है, इससे बहुत ज्यादा लाभ ले सकते हैं तो ले लिया जाए। तो ये जो अवसर वाली प्रवृत्ति है और जो न्याय है, तो न्याय में क्या अंतर है, न्याय देश काल और परिस्थिति से मुक्त है, क्योंकि सत्य का मतलब ही है जो हर देश में हर समय में हर परिस्थिति में जिसको हम प्रैक्टिस कर सकें, जो समय के साथ स्थान के साथ और परिस्थिति के साथ बदलता नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सत्य जो है वो अपरिवर्तनीय है, और जो न्याय धर्म सत्य है ये मानव मानव व्यवहार में ना सत्य का ही मानव के द्वारा या ज्ञान संपन्न इकाई ना चैतन्य इकाई या समझदार या अनुभव संपन्न व्यक्ति के द्वारा सच्चाइयों को जीने में व्यक्त करना, क्योंकि मानव ही वो सर्वश्रेष्ठ इकाई है जो सच्चाई को एज इट इज व्यक्त करने में सफल होती है, उसको व्यक्त करने में सफलता की बात कर रहे हैं। तो आश्रय किसको कह रहे हैं, तो मानव समुदाय का सारा न्याय तथा अवसर भेद से प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। आश्रय मतलब जिससे जिसका अस्तित्व व्यवहार नियंत्रित है वह है उसका आश्रय। तो या तो वो अवसर भेद से नियंत्रित रहता है या न्याय से नियंत्रित है। आश्रय आश्रित के आश्रय पाने के नियम की नियंत्रण संज्ञा है। एक मिनट में देख लेता हूं कोई आवाज ठीक आ रही है। बढ़िया, सो इट लुक्स ऑल सेट। आई नॉर्मली डोंट सी कमेंट्स इन बिटवीन, बीच बीच में देख लूंगा यदि एनीथिंग इज गेटिंग। न्याय आश्रित मानव मात्र सत्यासत्य धर्माधर्म तथा न्याय अन्याय के ज्ञाता व्यवहारिक एक सूत्रता स्थापित करने में कुशल एवं निर्दोष जीवन जीव में रत रहते हैं, जिससे ही मानवीयता संरक्षित। तो जो यहाँ पर दो बात कर रहे हैं, सदोष और निर्दोष ना। तो जो न्याय आश्रित मानव हैं या जो न्याय के आश्रय में या न्याय के नियंत्रण में या न्याय के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, उसमें ये भी मैं इस मतलब अपने शायद अपने को स्पष्ट ही है कि न्याय करने के लिए अनुभव संपन्न होना जरूरी है, जिसको अपन पहला चरण कह रहे हैं क्रिया पूर्णता। इसका मतलब है कि न्याय आश्रित व्यक्ति जो है वो सत्य और धर्म और न्याय ज्ञाता तो तीनों का ही है, और व्यवहारिक एक सूत्रता स्थापित करने में कुशल होता है, फलस्वरूप निर्दोष जीवन जीता है, और सदोष जीवन उसको कह रहे हैं जो प्रिय हित लाभ की सीमा में जी रहा है ना, क्योंकि उसमें दोष क्या है, वो स्वयं दुखी रहता है, दूसरों को दुखी करता है। यही दोष है, मानव में एक ही दोष है ना, कि दुखी रहना ही दोष है। सुख शांति संतोष आनंद में रहना ही निर्दोष जीवन की बात है, ऐसी से मानवीयता संरक्षित रहती है। अवसरवादी मानव प्रिय अप्रिय हित अहित लाभ लाभ से लाभा लाभ से लाभ हानि से ग्रसित तथा व्यवहार में दिखावा करते हैं। क्यों दिखावा करना पड़ता है, यदि हम ये बहुत कॉमन है, जब हमें झूठ बोलना पड़ता है ना, चूंकि लाभ हानि का कोई तृप्ति बिंदु नहीं है ना, प्रिय में भी कोई सार्वभौमता नहीं है, हित में भी कोई सार्वभौमता नहीं है, क्योंकि हर शरीर के स्वस्थ रखने में है ना अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग प्रभाव अलग अलग व्यक्तियों पर संभव है ना। तो इससे जो ग्रसित रहता है उसको व्यवहार में दिखावा करना पड़ता है बहुत सारी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाता, क्योंकि जब आप किसी से लाभ चाहते हो, मतलब कम देकर के अधिक पाने की जो इच्छा है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना। जब हम न्याय के आधार पर बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट होना ही दिखावा से मुक्ति है या सरलता है, और छुपाना ही, सीक्रेसी को मेंटेन करना, कुछ चीजों को छिपाना ही दिखावा है ना। और दिखावा अच्छी बात यह है कि जो दूसरों को तो स्वीकार होता ही नहीं है, दूसरों को कई बार पता भी नहीं चलता, इसकी अपन ने छल कपट दंभ और पाखंड अध्याय 4 में देखा था, विश्वासघात और हीनता के रूप में। लेकिन खुद को तो पता रहता है कि मैं कुछ कर चाहत मेरी कुछ और है, और ऊपर से मैं बोल कुछ और रहा हूं ना। तो जो ये जो
प्रिय हित लाभ से जब ग्रसित होते हैं तो व्यवहार में दिखावा करते हैं, जिससे असंतुष्टि, व्याकुलता व अनिश्चयता की पीड़ा ही उपलब्ध होती है। क्योंकि क्यों होती है ऐसा? क्योंकि अज्ञान की मान्यताएं शीघ्र परिवर्तनशील हैं, है ना। अवसरवादी मानव के कर्तव्य का लक्ष्य भी सुख है, तो जो अवसरवादी काम कर रहा है लक्ष्य तो उसका भी सुख है, ऐसा नहीं कि वो दुखी होना चाहता है, वो भी सुखी होना चाहता है। लेकिन प्रिय हित लाभ के आधार पर जीता हुआ वह इस प्रणाली से सफल नहीं हो पाता, ये दिक्कत, तो सफलता नहीं मिलती है, चाहत तो उसकी भी सुख की ही रहती है, लेकिन मिलता क्या है? असंतुष्टि, व्याकुलता और अनिश्चयता, यही उपलब्ध होता है। हम सब लोग इसको डे टू डे में देखते ही हैं। आप कभी मार्केट जाते हैं तो जब किसी दुकान पर जाते हैं और वो लाभ प्रवृत्ति से ग्रसित है तो किस तरह का व्यवहार करता है आपके साथ, है ना। और जब आप मान लो कोई चीज़ लेके आ गए और पसंद नहीं आती है और उसको जब रिटर्न करने जाते हैं तब उसका व्यवहार एकदम बदल जाता है, आपको लगता ही नहीं है कि ये वही व्यक्ति है। तो इससे पता लगता है कि पहले जो व्यवहार किया गया था वो कितना दिखावापूर्ण था। ये बहुत सारे उदाहरण आप अपने उसमें देख सकते हैं, इससे हमें भी असंतुष्टि होती है। भ्रम सिर्फ इतना रहता है, हमें लगता है ये संतुष्ट है और मुझे ये असंतुष्टि हुई। सिद्धांत यह है कि दिखावा करते समय दिखावा जो कर रहा है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाता है अपने साथ, उसको ये बात पता ही रहती है और इस वजह से उसको भी इस बात की असंतुष्टि रहती है ना? और केवल लाभ की वजह से उसको लगता है कि सब ठीक चल रहा है, बट स्वयं में, क्योंकि जीवन में जो क्रियाएं होती हैं, जीवन में जो बुद्धि नाम की चीज है ना, और जो जो चित्त नाम की चीज है, जो प्रयोजन को खोजता है, वो दिखावे से तृप्त नहीं हो पाता है। इस वजह से वह भी तृप्त नहीं, असंतुष्टि को महसूस करता है, व्याकुलता को भी महसूस करता है, अनिश्चयता की भी पीड़ा उसको भी रहती है और हमें भी, सामने वाले को भी होती है। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जीवन में क्लेश, कलह व आतंक उत्पन्न करने वाली समस्त प्रवृत्ति को सदोष विचार। सदोष किसको कह रहे हैं, या अवसरवादी विचार किसको कह रहे हैं? जो व्यक्तिगत लेवल पर पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीवन में क्लेश, कलह व आतंक को उत्पन्न करने वाली जितनी भी प्रवृत्ति है उसको कह रहे हैं सदोष। और कारण क्या है इसका? क्लेश, कलह व आतंक का कारण केवल संग्रह, द्वेष, अज्ञान, अभिमान एवं भय। तो उसके रूट में कारण क्या है? संग्रह, इसी को जिसको अपन पांच बौद्धिक नियम कह रहे हैं, उसके जो विपरीत है ना, तो बौद्धिक नियम है असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभयता। उसके विपरीत में जो मानव में होता है, जो संग्रह, द्वेष, अज्ञान, अभिमान एवं भय, इसकी वजह से क्लेश, कलह और आतंक, और इसी की वजह से ना उसमें सदोष विचार या स्वयं में पीड़ा को या व्याकुलता को महसूस करता है। अवसरवादी विचार या सदोष विचार व्यवहार, हृदय, प्राण, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि के परस्पर विरोधी विचार हैं। ये मजेदार चीज है। यहाँ पर अब व्यवहार, क्योंकि व्यवहार जो होने वाली क्रिया है वो शरीर से होने वाली क्रिया है, तो उसमें शरीर में हृदय, प्राण, क्योंकि मन जो है, जैसा कि साधन भाई के उसमें लोगों ने जीवन क्रियाओं को देखा, मन जो है वो डायरेक्टली शरीर के साथ जुड़ता है प्राण के माध्यम से, प्राण वायु के माध्यम से मेधस के साथ कनेक्ट होता है। तो व्यवहार, हृदय, प्राण, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि के परस्पर विरोधी विचार ही अवसरवादी या सदोष विचार है, जिससे क्षोभ, खेद, तृष्णा, दुख, अशांति तथा असंतोष की पीड़ा होती है। व्यवहार व हृदय के परस्पर, अब इसको डिटेलिंग कर रहे हैं ना, कि क्योंकि अभी हम देखेंगे तो हमारे लिए जैसे सुख, शांति, संतोष, आनंद एक ही जैसा है, दया, कृपा, करुणा एक ही जैसा है ना, धीरता, वीरता, उदारता में फिर भी हम थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो इन इन शब्दों में क्षोभ, खेद, तृषा, दुख, सुख, दुख, अशांति, असंतोष, है ना, तो उसको डिफाइन कर रहे हैं कि जब व्यवहार और हृदय के परस्पर विरोध से जो होता है उसको कह रहे हैं क्षोभ, हृदय व प्राण के परस्पर विरोध से जो होता है उसको कह रहे हैं खेद, प्राण व मन के परस्पर विरोध से तृषा, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, मन व वृत्ति के परस्पर विरोध से दुख, और वृत्ति व चित्त के परस्पर विरोध से अशांति, चित्त व बुद्धि के परस्पर विरोध से असंतोष,
तथा बुद्धि के आत्मविमुख होने से, क्योंकि बुद्धि में गलतियां नहीं जाती, बुद्धि या तो चुप रहती है, आत्मविमुख रहती है, इसी को कह रहे हैं अहंकार या अभिमान। तो मैंने एक पीपीटी बनाई है, उसको मैं यहाँ पे आपको इन सारे शब्दों को थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए लेट अस उसको देख लेते हैं एक बार। तो मानव सहज न्याय को लेकर के मैंने कुछ पीपीटी बनाई है, इसकी अपन थ्रू कर लेते हैं। तो क्या चीज है, अवसरवादी वर्सेज न्यायवादी, है ना। तो अवसरवादी को कह रहे हैं सदोष विचार, है ना, या अमानवीय या ऐसा विचार जो क्लेश कलह आतंक और भ्रम फल के रूप में देता है। जबकि न्यायवादी विचार कैसा है, निर्दोष है, मानवीय है, हर्ष उत्साह सहस्तित्व निर्भमता को उसका फल है। और इसका कारण क्या है, अवसरवादी विचार के पीछे जो भी अपन ने देखा, संग्रह द्वेष अज्ञान अभिमान भय। और इसमें क्या दिक्कत है, शीघ्र परिणामवादी है। अवसरवादी का जो फल भी आता है, इसी को कह रहे हैं क्षणिक सुख के रूप में ही आता है ना, और बदलता है समय के साथ। तो समय के रूप में देखेंगे तो ये शीघ्र परिणामवादी है, जबकि न्यायवादी जो विचार है, जिसको अपन ने कहा नित्यवादी है, देश दिशा काल और परिस्थिति से मुक्त है। और आगे इसमें आएगा कि यही जो अवसरवादी विचार है, ये बुद्धि अथवा विज्ञानमय कोष की जागृति के अभाव में ऐसा हो रहा है ना? और इसी को आगे विकृत परिणाम भी कहा है। और न्यायवादी विचार होने के लिए बुद्धि में आत्मबोध होता है ना, इसलिए ऐसा विचार हम फिर कर पाते हैं न्यायवादी व्यवहार। और इसके परिणाम के रूप में सुकृत परिणाम, सुकृत और विकृत दो शब्दों को यूज किया है। आगे ये भी आएगा, है ना, इसको अपन जब आएगा तब ले लेंगे, है ना। अब यहां पर मैं बताना चाह रहा था किस तरह से जो ये जो तीन मैंने कारण, सूक्ष्म और स्थूल, है ना, तो स्थूल को शरीर कह रहे हैं, जिसमें प्राण और हृदय को यहां पे जो डिटेलिंग आई। और क्योंकि शरीर के माध्यम से मन शरीर के माध्यम से व्यवहार करता है, तो जब व्यवहार और हृदय में जब एक सूत्रता नहीं होती है, जब परस्पर विरोधी होता है, माने जब हम ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे ना धड़कने बढ़ जाती है, हम बहुत है ना दुखी हो गए, है ना, उसको अपन दुखी बोल रहे हैं, बट एक्चुअली वो क्षोभ है। उसको अपन और उसको डिटेल में पकड़ना पड़ेगा अपने ही, जब हम अपने व्यवहार को और बारीकी में जांचेंगे, है ना। तो हम ये पाते हैं कि किसी किसी व्यवहार में हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं या हृदय बैठ जाता है, ऐसा लगता है ना हृदय बैठ गया है ना, तो उसको कह रहे हैं कि वो क्षोभ है। और किसी किसी में हमारा जो सांस बहुत तेज हो जाती है, प्राण, ये सारा एक साथ ही होता है बाय द वे, है ना, तो खेद। और जो मन और प्राण के बीच में जो स्थिति बनती है विरोधात्मक, है ना, उसको कह रहे हैं तिरसा। और जब मन वृत्ति के अनुसार नहीं चल रहा होता है ना, वृत्ति माने विचार हमारा कुछ और कहता है और मन कुछ और करता है, उसी को दुख कह रहे हैं। और वृत्ति और चित्त के बीच में हमारे में जब एक सूत्रता नहीं होती है, तो इसी को अशांति। और बुद्धि और चित्त के बीच में जब एक सूत्रता नहीं है, तो असंतोष। और आत्मा और बुद्धि के बीच में जब एक सूत्रता नहीं है, तो इसी को अहंकार संज्ञा कह रहे हैं। इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट है चित्त का रोल, क्योंकि चित्त को ही बेसिकली कनेक्टिंग लिंक के रूप में पहचानते हैं, इसको अपन अभी देखेंगे कि किस तरह से इसको जो डिटेलिंग की है उसकी बात कर रहे हैं। तो व्यवहार जो है, व्यवहार शरीर हृदय प्राण व मन आश्रित है, क्योंकि व्यवहार करने के लिए शरीर भी ठीक होना जरूरी है, क्योंकि हम शरीर से ही व्यवहार कर पाएंगे। जो व्यक्ति अभिव्यक्ति है, कई बार अपन ये देखते हैं पेरेंट्स
ओल्ड एज में हो जाते हैं और बच्चा घर पर आता है, उनका बहुत कुछ करने का मन करता है और बेड रिडन है, बोल नहीं पा रहे हैं किसी वजह से, या जो वो करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, बहुत उनको अनकंफर्टेबल लगता है। क्यों? क्योंकि जो व्यवहार है वो शरीर हृदय प्राण व मन आश्रित है, इन सब में एक सूत्रता चाहिए व्यवहार करने के लिए। फलतः मना स्थिति क्रम से प्राण हृदय व कर्म के आकार से कृति आकृति होती है। मन ही मेधस पर प्रभाव पूर्वक आशा अनुरूप आकार का संकेत करता है तथा बदले में सुखा आस्वादन चाहता है। तो मन भाई शरीर को चलाई क्यों रहा है जीवन या मन, जो कल साधन भाई ने बताया था कि मन जो है तदाकार हो जाता है और उधर आत्मा में व्यापक के साथ ज्ञान के साथ तदाकार होने की डिजाइन है। तो मन जो तदाकार होता है शरीर के साथ क्यों हो रहा, क्यों कर रहा है वो? तो मन ही मेधस पर अपने मना रूप आकार को संकेत करता है और उसके अनुसार व्यक्त होना चाहता है। जब ऐसा नहीं हो और ऐसा करके वो क्या चाहता है, बदले में सुखास्वादन चाहता है कि जैसा मैं चाहता था वैसा कर पाया, जैसा फल परिणाम चाहिए था वैसा फल परिणाम आ पाया। तो व्यवहार व हृदय, हृदय व प्राण, प्राण व मन, वृत्ति व मन तथा विरोध व निर्विरोध का प्रभाव, इन सारी चीजों का प्रभाव किस पर पड़ता है? मन पर ही है, क्योंकि मन ही रसज्ञ है या रसास्वादन करने वाली जीव। फलतः मन ही व्यवहार, हृदय, प्राण, वृत्ति, विरोधवश या निर्विरोध से प्राप्त दुख व सुख का भोग। इसको ज्ञाता दृष्टा और भोक्ता या कर्ता दृष्टा कर्ता भोक्ता, ज्ञाता और दृष्टा एक ही बात है, समझने वाला या दर्शन करने वाला, और जो कर्म करने वाला कर्ता और भोक्ता। तो जीवन ही दृष्टा है, कर्ता है और भोक्ता है। तो सुख और दुख को भोगने वाला मैं ही हूँ, उसी को लिख रहे हैं कि किस तरह से ये भोग। कारण क्रिया के अनुकूल सूक्ष्म, यहाँ जो मैंने आपको बताया था अभी, कारण क्रिया, सूक्ष्म क्रिया और स्थूल क्रिया। तो कारण क्रिया के अनुकूल सूक्ष्म माने, कारण क्रिया माने बुद्धि और आत्मा के अनुरूप। एक कमेंट आ रहा है, फिर सा को थोड़ा इसको करेंगे है ना, शाम के सेशन में इसको अपन और स्पष्ट रूप से क्वेश्चंस को ले लेंगे। तो कारण क्रिया आगे स्पष्ट ही है। तो कारण क्रिया क्या है? आत्मा एवं बुद्धि की सम्मिलित क्रिया को कारण क्रिया संज्ञा है। तो कारण क्रिया के अनुकूल यदि सूक्ष्म क्रिया चलती है और सूक्ष्म क्रिया के अनुकूल स्थूल। सूक्ष्म क्या है? मन, वृत्ति और चित्त, ये सूक्ष्म क्रिया है। इसके अनुकूल स्थूल क्रिया अर्थात शरीर और व्यवहार, क्रम से जागृति तथा फलस्वरूप समृद्धि व समाधान, तथा इसके विपरीत क्रम से, क्या विपरीत क्रम है कि स्थूल के अनुसार हमारा सूक्ष्म क्रिया चले ना? और सूक्ष्म के अनुसार हम उस पर, कारण क्रिया तो संभव नहीं होता है, सूक्ष्म उसको प्रभावित नहीं कर पाता है क्योंकि बुद्धि और आत्मा तो अप्रभावित रहते हैं गलतियों से, भ्रम से। तो देखिए कितनी मजेदार डिजाइन बनी हुई है कि भ्रमित स्थिति में हमारा मन, वृत्ति और चित्त प्रिय हित और लाभ के आधार पर बहुत सारे डिजाइन बनाता है और फिर बोलता है देखो यार आज तो, इस बार तो अपन ने एक फैक्ट्री लगाने का सोचा था, चार लगा ली। इस बार का टारगेट तो इतने करोड़ का था, उससे तो कई गुना ज्यादा हो गया, या जो भी लाख में था, हजार में था, माने जितना एक्सीड्स कर गई है ना सिचुएशन, जितना बड़ा घर सोचा था उससे बड़ा हो गया। लेकिन जो बॉस है वो है बेसिकली बुद्धि और आत्मा। तो ये मन, वृत्ति, चित्त अपना प्रपोजल लेके जाते हैं, बोलते थे वो इतना अच्छा काम कर लिया, बुद्धि चुप रहता है, ये अपना अप्रूवल ही नहीं दे रहा है। जैसे आप बॉस के पास जाएं है ना, या बच्चे बहुत सारा अच्छा अच्छा काम करके अपनी माँ की तरफ देखते हैं और माँ तरफ मुस्करा नहीं रही है कि तुमने ठीक किया। तो जब तक वो सही की दिशा में नहीं है, प्रियहित लाभ से जुड़े हुए चित्रण को हम कितना भी साकार कर लें, बुद्धि जो है और आत्मा जो कि बेसिकली कारण क्रिया है ना, ये बेसिकली चुप बने रहते हैं, ये अप्रूवल नहीं दे रहे हैं अपने काम को। तो आदमी खुद ही सोचने लगता है यार मैं कर, बल्कि उससे वहां से ये मैसेज आता है तुम कर क्या रहे हो, यू नो इट इज ए वेस्टेज ऑफ टाइम, कि तुम समय का सदुपयोग क्या हुआ, इतना तुम दौड़ भाग कर रहे इससे मिला क्या। इसीलिए कह रहे हैं कि जो चित्त है
चित्त जो है वो प्रयोजनों को ढूंढता रहता है। जो चिंतन क्रिया है जो शुरू होनी है मानव में, यदि अपन कनेक्टिंग लिंक देखेंगे, प्रमित से जागृति की ओर जो पहला चरण है उसमें मानव में प्रयोजन को खोजने का काम शुरू होता है। बहुत कुछ करने के बाद ये सवाल उठता है उसमें, यार आखिर इतना सब किया, इस सब का प्रयोजन क्या है, निकला क्या ना? तो ये काम चित्त में शुरू होता है ना, यदि वो सही के अर्थ में, इसीलिए अध्ययन करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फिर सही प्रयोजन है क्या इसको पहचानना पड़ेगा ना, कि मानव का उद्देश्य क्या है। तो वो प्रयोजन को जब पहचान पाते हैं तब जाकर के चित्त में जो साक्षात्कार क्रिया है ना वो उसको स्टैंपिंग करता है, बुद्धि उसको सहमति देती है, इस तरह से सुख की शुरुआत होना शुरू होती है। तो जो सूक्ष्म क्रिया है, चित्त वृत्ति और मन के सम्मिलित क्रिया की सूक्ष्म क्रिया है, और स्थूल शरीर पिंड पंचेंद्रियों से युक्त काया शरीर की स्थूल, कारण क्रिया के बिना सूक्ष्म क्रिया तथा कारण व सूक्ष्म क्रिया के बिना स्थूल पिंड रूपी शरीर का क्रियाकलाप नहीं। तो ये सारे, चूंकि कारण क्रिया सूक्ष्म क्रिया ये जो दसों क्रियाएं हैं, या ये पांचों बल मन वृत्ति चित्त बुद्धि और आत्मा हैं, ये अविभाज्य रहते हैं, तो इसके ही आश्रय में कारण क्रिया इतना ही है कि एक्टिव है या चुप है, इसके आश्रय में ही सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं तथा कारण और सूक्ष्म क्रिया के आश्रय में ही स्थूल पिंड रूपी शरीर का क्रियाकलाप होता है, उसके बिना नहीं होता है। तो जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं ना, ये शरीर में अकेले से काम नहीं करती हैं, जब तक शरीर को जीवन जीवंत बनाए रखता है तभी तक ज्ञानेंद्रियों का कार्यकलाप हो पाता है। मानव संपर्क व संबंध में निहित मूल्यों का निर्वाह ना होने से ही क्षोभ, तो हर हर संबंध और संपर्क में कुछ निहित मूल्य हैं, उन्हीं को अपन अपेक्षाएं कह रहे हैं, स्नेह विश्वास सम्मान और प्रेम। तो ये जो हर संबंध में है ना, जैसे पति पत्नी संबंध में कुछ निश्चित अपेक्षाएं, माता पिता और बच्चों के साथ जो संबंध है उसमें भी निश्चित अपेक्षाएं हैं, गुरु शिष्य संबंध में भी निश्चित अपेक्षाएं निश्चित हैं है ना, और उन्हीं के मूल्यों का निर्वाह ना हो पाने से क्षोभ होता है, क्रोध व कठोरता का प्रसव होता है। और भौतिक क्रिया में क्षोभ का मतलब है असमृद्धि या अभाव का प्रसव होता है, शरीर क्षोभ से रोग व क्षीणता का प्रसव, प्राण क्षोभ से उद्विग्नता व निरुत्साह का प्रसव, मन क्षोभ से असहिष्णुता व दुख का प्रसव, वृत्ति क्षोभ से आलस्य प्रमाद व अशांति का प्रसव, चित्त क्षोभ से कृत्रिमता अर्थात दिखावा रहस्यता व असंतोष का प्रसव, बोध रहित बुद्धि से शांति अज्ञान अभिमान व कृतज्ञता का प्रसव होता है। अवसरवादी व्यवहार ही क्षोभ का कारण है, जो गलती और अपराध से मुक्त। तो जितना भी अमानवीय अवसरवादी है ना, या व्यवहार जब हम प्रियत लाभात्मक व्यवहार है उससे यही सारी चीजें आप प्रसव माने उदय होता है, और जो गलती और अपराध से मुक्त नहीं। अवसरवादिता के शीघ्र परिणामवादी होने के कारण इसके व्यवहार में एक सूत्रता का अभाव रहता है। तो जितना भी अवसरवादी व्यवहार है उसमें एक सूत्रता स्थापित नहीं हो पाती, मन ही वृत्ति के साथ, वृत्ति चित्त के साथ, और चित्त में जो प्रयोजन पूछने की क्रिया है, अपने में ही जो हायर अथॉरिटीज हैं सो टू से, है ना, कोलोक्वियल लैंग्वेज में कहें तो जो चित्त का जो हायर लेवल है, प्रयोजन चिंतन वाली या साक्षात्कार वाली क्रिया या बुद्धि और आत्मा, ये जो है उसमें एक सूत्रता सूक्ष्म और कारण में एक सूत्रता स्थापित नहीं हो पाती है। एक सूत्रता के अभाव में आत्मोन्मुख बुद्धि ना होने से, बुद्धि जो है आत्मा के अन्मुख ना होने से बुद्धि में क्षोभ, और बुद्धि अनुयायी चित्त ना होने से चित्त क्षोभ, और चित्त अनुयायी वृत्ति ना होने से वृत्ति क्षोभ, और वृत्ति अनुयायी मन ना होने से मनः क्षोभ, और मनोनुकूल प्राण हृदय शरीर व क्रिया ना होने से संपर्कात्मक व संबंधात्मक व्यवहार में मनः क्षोभ, मन क्षुब्ध हो जाता है अर्थात दुखी हो जाता है, ऐसा देखते हैं अपने व्यवहार में। अब बुद्धि क्षुब्ध अर्थात अहंकार, अहंकार वाले व्यक्ति में क्या होता है, अहंकार वाला जो मानव है जिसकी बुद्धि चुप है या क्षुब्ध है, मानव क्या
कैसे व्यक्त होता है। तो ऐसा मानव अपने ज्ञान को श्रेष्ठ माने रहता है, उसको लगता है मुझे सब पता है ना, ये कोरोना वायरस को भी कैसे रोकना चाहिए, पोल्यूशन कैसे खत्म होना है, मेरे पास सारा ज्ञान है ना। ये बात अलग है कि हमारे परिवार में उस ज्ञान को हमारे अपने नकारे हुए हैं, हमारे अपने हमारे ज्ञान को नहीं सुन रहे, लेकिन दूसरों को देने के लिए उसके पास पर्याप्त ज्ञान बना रहता है और उसको ये लगता ही रहता है कि मेरे ज्ञान मेरा ज्ञान ही श्रेष्ठ है और बाकी कोई सुन नहीं रहा है, इनकी ये सब बेवकूफ़ लोग, गलत लोगों के साथ आ गया, इसीलिए उसको वर्तमान से विरोध बना रहता है। उसका बॉस ठीक नहीं है, पत्नी ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं, माता पिता सुनते नहीं हैं, हाँ तो मेरा ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, ऐसा इसी का नाम है अहंकार। चित्त क्षुब्ध मानव अपने तर्क को श्रेष्ठ माने रहता है, उसको लगता है उसके पास जो लॉजिक है ना एकदम परफेक्ट है। और वृत्ति क्षुब्ध मानव विचार व कार्य योजनाओं को श्रेष्ठ माने रहता है और मन क्षुब्ध विषय भोग को श्रेष्ठ समझता है। तो जो लोग विषयों को एंजॉय नहीं करने लगता है तो क्या आदमी है, घूमने नहीं जाते छुट्टियों में ना, तो विषय भोग ही श्रेष्ठ है। मैं जहाँ घूमने जाता हूँ, मैं पहाड़ पे जाता हूँ तो बढ़िया, मैं थाईलैंड जाता हूँ तो वो सबसे बढ़िया है ना, मैं पेरिस जाता हूँ तो सबसे बढ़िया। अच्छा दूसरा भी बोलता है मैं भी पेरिस हो क्या है, तो बताएगा तुमने ये वाली जगह देखी, और आपने बोला नहीं देखी बस, तो फिर तो पेरिस जाना बेकार ही हो गया क्योंकि वो तो उस जगह घूम के आया है। तो इस तरह से उसने जो विषय भोग किए हैं, उसने किस होटल में खाना खाया है, कहाँ होके आया है, वही श्रेष्ठ है, बाकी सब नेष्ठ है ना। फलस्वरूप वाद विवाद उत्पन्न होता है। अतः यह सिद्ध होता है कि अवसरवादिता ही वाद विवाद का मूल कारण, क्योंकि ये जो व्यवहार है अपने ज्ञान को श्रेष्ठ मानना, अपने तर्क को श्रेष्ठ मानना, अपने कार्य विचारों को श्रेष्ठ मानना, अपने विषय भोग को श्रेष्ठ मानना, इसी का नाम है अवसरवादी कार्यक्रम अवसर, क्योंकि यह अपराध से मुक्त नहीं है, यही अपराध है मानव के साथ। आप बोलो यार क्या बात कर रहे हैं, अपराध तो हम मानते हैं कि वो जो है ना संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में स्थूल अपराधों का वर्णन है ना, ये जो सूक्ष्म अपराध है, क्या सूक्ष्म अपराध है, एक मानव का दूसरे मानव के साथ न्याय ना कर पाना ही अपराध है ना, विश्वास का निर्वाह ना कर पाना ही अपराध, कृतज्ञता को कृतज्ञता का निर्वाह अपने ही माता पिता अपनों अपने जागृति में उन्नति में जिस किसी से भी सहायता मिली है उसको उसके प्रति कृतज्ञ ना हो पाना ही अपराध है ना, अपने से श्रेष्ठ का सम्मान ना कर पाना ही अपराध, अपने ही मानव के दूसरों के विचारों को ना सुन पाना, उनके विचारों का सम्मान ना कर पाना, ये सारे अपराध हैं। एक्चुअली हम अभी बहुत स्थूल सीमा में, क्योंकि मानव जागृति जो है वो स्थूल में ही जागृत हो पाई, अभी जो सही अर्थ में जो गलतियां और अपराध हैं वो तो वैचारिक पक्ष में हो रहे हैं, क्योंकि सारा कार्य और व्यवहार तो विचार की सीमा में है, इसलिए ये जो अवसरवादी व्यवहार है ये पूरा अपराध से मुक्त नहीं है। सत्य बोध ना हो पाना ही बुद्धि क्षोभ है। बुद्धि भी क्षुब्ध क्यों है, क्योंकि सत्य का उसको बोध नहीं हो पा रहा। तो वाद विवाद के लिए बड़ा जबरदस्त सूत्र है, वाद विवाद के लिए दोनों पक्षों का अथवा एक पक्ष का गलत होना माने भ्रम ना समझ होना रहना आवश्यक है, क्योंकि दोनों पक्ष सही हों और वाद विवाद हो ऐसा संभव नहीं है। अभी ये भी मजेदार है, अभी हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मंचों पर है ना विरोधी इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल मंच हो, चाहे वो रिलीजियस मंच हो, सर्वधर्म सम्मेलन, सर्व पॉलिटिकल के लोग एक साथ आ जाएंगे है ना, और फिर ये कहेंगे देखो हमारे में कोई है ना वाद विवाद नहीं है, ऐसा दिखावा करते हैं मंच पर, लेकिन दोनों पक्ष यदि सही में एक सूत्रित नहीं है ना, और एक पक्ष या दोनों ही पक्ष गलत हैं, तो वाद विवाद ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। जिसी इसी बात को हम या तो मंच पर ही दिखने लगता है या मंच से उतरने के बाद उनके कार्य व्यवहार से यही पता लगता है कि जो बोल रहे थे वो दिखावा था, एक्चुअल कार्य व्यवहार जब करते हैं तो उसमें वाद विवाद विरोधाभास द्वेष ये सारी चीजें कलह जो पहले बताया वो दिखाई देता। तो अवसरवादी व्यवहार का मूल कारण यदि देखने जाएंगे तो बुद्धि अथवा विज्ञानमय कोष व जागृति का पूर्ण विकसित ना होना ही, यदि देखेंगे तो अवसरवादी व्यवहार का कारण क्या है, भाई क्यों ऐसा हो गया कि आदमी अवसरवादी व्यवहार है, तो ये कोई गलती नहीं है, जागृति क्रम में ना जब तक बुद्धि या जो विज्ञानमय कोष, किसी ने पूछा भी था
इसी दौरान इसको रखूंगा भी कोश का, यदि मिलेगा तो, जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश। इस तरह से भी बाबा ने जो एक क्रम को बताया है विकास विकास और जागृति के ना, विकास क्रम और जागृति क्रम, तो इन कोशों का क्रमशः जो विकसित होने का क्रम है, तो कह रहे हैं कि अवसरवादी व्यवहार का मूल कारण बुद्धि का अथवा विज्ञानमय कोश व जागृति का पूर्ण विकसित ना होना है। विज्ञानमय कोश के विकसित नहीं होने से ही भ्रम तथा अज्ञान है जो अवसरवादिता का द्योतक है। क्योंकि विज्ञानमय कोश, और एकदम मोटी भाषा में, एकदम सामान्य भाषा में देखें तो बुद्धि विकसित नहीं हो पाई। इसका क्या मतलब है कि हम जो भी काम कर रहे हैं हम बुद्धूपने का काम कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका? तो लगता है हम बहुत बुद्धिमान हैं। तो हम जो बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक, यदि हमने मिट्टी पत्थर कंकड़ है ना, अर्थात घर गाड़ी घोड़ा इन सबको इकट्ठा कर लिया है, और उसके फलन के रूप में यदि हम सुख शांति संतोष को नहीं पा पाए, संबंधों में निर्वाह नहीं कर पाए, नहीं पत्नी बच्चों के साथ हम अपने मूल्यों के साथ नहीं जी पाते हैं, या समाज में हम भागीदारी नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये बुद्धिमत्ता का काम कहाँ हुआ है? तो बुद्धूपने का काम हुआ, खूब मेहनत की। अच्छा, मेहनत में कोई कमी नहीं है, हम लोग 10-10 12-12 14-14 घंटे काम कर रहे हैं ऑफिस में, घर में, है ना, या वही सब चलता भी रहता है लगातार हमारे में। तो इसके बावजूद यदि जो फाइनली मानव की जो उपलब्धि होनी थी वो तो सुख शांति होनी थी, यदि वो नहीं हुई तो फिर बुद्धिमत्ता का काम कहाँ हुआ? ये तो बुद्धूपने का काम हुआ। एक बढ़िया, मैं कोर्सरा पे एक कोर्स कर रहा था, और ये बिट्स पिलानी का ही है, रघुनाथन और समथिंग सम नेम है ना, बिट्स पिलानी का ही बंदा है, और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले में इस कोर्स को चलाता है, द साइंस ऑफ हैप्पीनेस, या शायद नाम है लाइफ ऑफ हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट ना। तो उसने ये कहा कि यदि हम सब समाज में जो भी जो जो सीईओ या सफल है ना लोग हैं, चाहे वो बिजनेसेस में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो गवर्नमेंट मशीनरी में हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, हम यदि इतने स्मार्ट अपने आप को समझते हैं, तो उसने एक किताब फिर लिखी ऐसी, क्योंकि इफ यू आर सो स्मार्ट वाई आरंट यू हैप्पी, क्योंकि सारी स्मार्टनेस तो फिर हैप्पी होने के लिए, और यदि हमारी स्मार्टनेस से हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन और पीस ऑफ माइंड ना, जिसी को अपन समाधान समृद्धि या सुख शांति संतोष कह रहे हैं, यदि ये नहीं मिल रहा है तो फिर इसमें स्मार्टनेस कहाँ है? तो बेवकूफ़ी है, डम्बनेस है, इट्स नॉट स्मार्टनेस ना। तो ये समझ में आना चाहिए कि विज्ञानमय कोश के विकसित नहीं होने से ही भ्रम तथा अज्ञान है जो अवसरवादिता का द्योतक है। भ्रम तथा अज्ञान के बिना गलती संभव नहीं है। तो यदि हम ये बोले, हम बोलते रहते हैं हम तो समझदार हैं और गलती भी हो रही है, या हम सुखी नहीं रह पा रहे हैं, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं घट सकती। बाबा कह रहे हैं कि भ्रम तथा अज्ञान के बिना गलती संभव नहीं है। तो समझदार व्यक्ति भी हो, ज्ञानी भी हो और गलती भी करे, ये दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अब इसका कारण क्या है? चैतन्य इकाई की अपारदर्शकता, अपूर्ण या अपूर्ण विकास ही अज्ञान है। अपारदर्शकता का फल ही है विकासवादी नियम की समझ ना होना तथा फलस्वरूप ही अवसरवादी। तो बाबा बार बार यहाँ व्यक्ति को दोष नहीं दे रहे हैं, क्योंकि परंपरा में व्यक्ति तो चाहता ही है ना, बच्चा तो जन्म से ही न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक रहता ही है। मूल में तो देखेंगे तो परंपराएं भ्रमित कर दे रही हैं, और परंपरा का भी माने एक तरह से उस तरह से गलती नहीं है, क्योंकि ये धरती ही एक विकास क्रम, विकास से अब जागृति क्रम के दौर से निकल रही है और जागृति में स्थापित होने के दौर में हम चलते हैं, जिसमें कि हम सब लोगों की एक अच्छी भूमिका, एक अच्छे अवसर भी हमारे पास है। क्योंकि कई बार जब मैं इस तरह के बच्चों से बात करता हूँ, स्पेशली इंजीनियरिंग और एमबीए के बच्चों से, तो कई बच्चों को ऐसा लगता है कि ना ये हम गलत समय पे आ गए, एक्चुअली हमें जन्म तो लेना चाहिए था बुद्ध के टाइम, सॉरी गांधी के टाइम ना, जब एक्शन हो रहा था, कुछ करने को था। तो मैं कहता हूँ कि एक्चुअली अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी अभी एक्चुअली सही अवसर है, बहुत कुछ करने के लिए है। मानव की जो चिर स्पष्ट हो गई है, तो अवसरों की कोई कमी नहीं है ना, और ये बहुत अच्छा समय है। मुझे तो लगता है हम लोग बहुत ही शानदार ना ट्रांजिशन टाइम से निकल रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास बहुत सारा अवसर है, और ये जो टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से
हमारी जो रीच सही अर्थों में वसुधैव कुटुंबकम होने के लिए, वसु धरती एक छोटा सा, हम इतने कनेक्टेड हो गए हैं। ये बात अलग है कि हम लोग FMCG माने फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और इन सब सुविधाओं के अर्थ में अभी ज़्यादा कनेक्टेड हैं, जबकि सही अर्थों में तो हमें शिक्षा और स्वास्थ्य उसके अर्थ में कनेक्टेड होना है, जिसको कि साधन भाई ने रखा था कि न्याय उपलब्धता और उत्पादन और विनिमय सुलभता। ये तो एक्चुअली एक कई एक छोटे दायरे में, मतलब 10-20 हज़ार परिवारों के बीच में स्थापित होने वाली बात है, लेकिन जो शिक्षा और स्वास्थ्य का कार्यक्रम है, इस अर्थ में एक्चुअली पूरे विश्व की कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, क्योंकि जो जो प्राकृतिक नियमों का संतुलन की बात है ना, ये जो स्वास्थ्य में जो भी आवश्यकता अनुसार जरूरत है, उसमें जो R&D वर्क है, इसके लिए और भी प्रधान रूप में देखेंगे तो शिक्षा रूपी कार्यक्रम के लिए हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है। बट अच्छी बात है कि ये मॉडल्स आ गए हैं, जो कि किसी ने पूछा भी था कि क्या उपलब्धि है, क्या सब कुछ बदलना होगा, तो जो भी उपलब्धियां रही विज्ञान युग की, उन वजह से बहुत सारी हम लोग एक अच्छी स्थिति में हैं, जहां पर ये ज्ञान को स्थापित करने में सफल हो सकते हैं। तो कार्य करने की स्वतंत्रता के कारण ही मानव को न्याय अन्याय, धर्म अधर्म और सत्य सत्यात्मक विचार, इच्छा, संकल्प पूर्वक व्यवहार, विचार एवं अनुभव करने का अवसर प्राप्त। तो क्यों ऐसा अवसर प्राप्त है मानव को? क्योंकि मानव में कार्य करने की स्वतंत्रता। तो जब हम कार्य करने की स्वतंत्रता है, लेकिन फल तो नियम अनुसार आएगा, मानव कर्म करने में स्वतंत्र है। बाबा कहते हैं कि एग्जिस्टेंस का डिजाइन गजब का चेक एंड बैलेंस डिजाइन है। एक तरफ कर्म करने की स्वतंत्रता दी हुई है, लेकिन जो फल है, फल तो नियम से आएगा। तो यदि मैं अन्याय, अधर्म और असत्यात्मक विचार पूर्वक कार्य करता हूं, है ना, तो फल उसका दुख के रूप में, अशांति के रूप में, असंतोष के रूप में, क्लेश के रूप में, द्वेष के रूप में, आतंक के रूप में आता है, जो मुझे स्वीकार नहीं होता। तो कार्य करने की स्वतंत्रता के कारण ही मानव को दोनों अवसर उपलब्ध हो जाते हैं, न्याय करने का भी, परमात्मा और सत्या सत्य का अन्वेषण करने का भी। इस तरह से यदि मैं विचार, इच्छा, संकल्प पूर्वक व्यवहार, विचार, अनुभव भी प्राप्त है, ये एक कर्म करने की स्वतंत्रता आने की वजह से मानव में घटित हो रहा है, जिसकी वजह से मानव आदिकाल से सही क्या है, न्याय अन्याय क्या है, इसकी खोज में, शोध में लगातार प्रयास रहते हैं। और मानव जाति एज ए होल ना एक बहुत अच्छे पड़ाव पर क्रम से महापुरुषों के आने से, विज्ञान जगत के महापुरुष भी और अध्यात्म जगत के, या मानव चेतना से संबंधित जिन्होंने शोध किए, उसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों आ गए हैं। कामना के रूप में तो लगभग सारा ही आ चुका है, उसको अब एम्प्लीमेंट करने के लिए एक हमारे पास शानदार अवसर प्राप्त। जड़ सृष्टि में बीज, परिणाम एवं प्राण के भेद से, और चैतन्य जीवन में बीज आशा व इच्छा के रूप में वंशानुसंगी, संस्कार अनुसंगी भेद से, ये मजेदार है। तो देख रहे हैं कि जड़ सृष्टि में क्या होता है, बीज जो है परिणाम एवं प्राण के भेद से, और चैतन्य में बीज क्या है, जैसे जड़ सृष्टि में एक पेड़ है ना, एक पेड़ जो है बहुत सारे बीजों को बना देता है। तो चैतन्य जीवन में बीज क्या है, तो आशा, विचार, इच्छा के रूप में वंशानुसंगी या संस्कार। तो आशा के रूप में तो वंशानुसंगी जो पशुओं में देखने को मिलता है, जीने की आशा के रूप में उसमें बीज है, उस बीज की वजह से वो कार्यकलाप करता है, वंशानुसंगी, आहार, निद्रा, भय, प्रजनन रिलेटेड। मानव में बीज क्या है, मानव किस लिए काम करता है, क्या आधार है, तो मानव में संस्कार ही बीज है। संस्कार मतलब सही की समझ, और जब तक सही की समझ नहीं है, तब तक जिसको भी सही मान लिया भ्रमवश, उसके अनुसार वो काम करता हुआ पाया जाता है। तो मानव में बीज जो है वो संस्कार के रूप में, जिसको कहते हैं ना बीज ही फलित होता है, अर्थात मानव ने जिसको सही माना है ना, तो मानव में बीज संस्कार के रूप में मन, वृत्ति, चित्त व बुद्धि में स्थापित होना, क्योंकि हर भ्रमित व्यक्ति के बौद्धिक स्तर है, बौद्धिक क्षमता का भेद ही मानव क्रियाकलाप में वैविधता का मूल कारण है। यहाँ पे बौद्धिक क्षमता का भेद का क्या मतलब है, भ्रमित स्थिति में बुद्धि चुप है, और जो चित्त में अपनी ही इच्छाओं को, अपने ही अधूरे ज्ञान को जो श्रेष्ठ मान लेना है, इस वजह से भ्रमित व्यक्तियों में बौद्धिक स्तर में अंतर या अलग अलग
चीजों को अलग अलग व्यक्ति अपनी ही बातों को श्रेष्ठ माने रहता है, इस अर्थ में हम एक दूसरे के साथ अलग अलग दिखाई देते हैं और यही भेदभाव का वाद विवाद का कारण बनता है। तो बौद्धिक वैविधता के कारण ही मानव न्यायवादी तथा अवसरवादी व्यवहार अपने जागृति के अनुसार अपनाता है, और यही यदि हमारी में सत्य की सच्चाइयों की स्पष्टता हो जाती है बुद्धि में, तो वो न्यायवादी व्यवहार अपनाता है, वहां से वैविधता समाप्त हो जाती है, हम सब सही में एक के रूप में काम। बीज मात्र उद्भव के अनंतर प्रलय की ओर। तो बीज क्या होता है, जैसे एक आप आम का बीज लें ना, कितना जबरदस्त डिजाइन है। कुछ लोग मेरे से पूछे कि भैया ये जीवन में ये चयन आस्वादन विचार है ना, एक ये परमाणु में ये सब कैसे होने लगता है ना। तो देखो इतना सिंपल डिजाइन है, आप कभी आम खाते हैं आम की गुठली को हाथ में लीजिए है ना, और जामुन खाते हैं जामुन की गुठली को लीजिए, सीताफल खाते हैं उसकी, तीनों को आप अपने हाथ में रखिए या साथ में रखिए, क्या उसको देख के लगता है कि यार ये आम की गुठली है ना, एक मिट्टी में अनुकूल वातावरण पाकर के उसको क्या क्या तत्व चाहिए, उसी मिट्टी से हवा से पानी से लेकर के आम जैसे फल को दे देती है, और ये जो जामुन की गुठली है जामुन का जो बीज है ये उसी मिट्टी में डालने से 2 फीट दूर डालने से है ना, ये उसी मिट्टी में से अपने अनुकूल चीजों को चयन कर लेता। तो ये जो चयन प्रवृत्ति है ये सेल स्ट्रक्चर में भी दिखाई दे रही है, तो ये कोई बहुत आश्चर्य नहीं है। एक्चुअली हम जड़ जगत का भी अध्ययन बहुत अच्छे से नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज जो तो इसीलिए वो विकास क्रम विकास जैसा दिखता है, उसमें बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देंगी कि इस तरह की जो क्वालिटेटिव जो लक्षणिकता है गुणात्मकता की, ये हमें जड़ जगत में देखने को मिलेगी ना। उसको विकास इसीलिए नहीं कहा क्योंकि वहां उसकी स्थिरता नहीं है, क्यों उसी को लिख रहे हैं कि बीज मात्र उद्भव के अनंतर प्रलय की ओर। तो ये जो बीज आम का लगाया, ये जो पेड़ बनता है और पेड़ में एक समय के बाद फल आता है और उसमें फिर वो बीज बन जाता है ना, वो ये जो जो बीज से बीज बीज बेसिकली बनना प्रलय की ओर चल दिया अब, तथा जो प्रलय है माने जो जो बीज बना उसको यदि फिर से अनुकूल वातावरण मिलता है वो फिर उद्भव की ओर चल देता है। तो रचना विरचना की ओर और सारी विरचनाएं फिर से रचना के लिए पूरक हैं, ये जो चक्र है ये साइक्लिसिटी है ये लगातार चलती रहती है। तो उद्भव के बाद प्रलय, प्रलय के बाद उद्भव, ये कहाँ हो रहा है, रचना विरचना में हो रहा है, ये जीवन में नहीं हो रहा है ना, जीवन में विकास हो गया है, वहां से अमृत हो गया शुरू। तो एक रचना की विरचनाओं का क्रम है और उसी के बाद जो जीवन गठन पूर्ण हो जाने के बाद एक परिणाम की स्थिरता आ गई, अब क्रिया पूर्णता का क्रम शुरू होगा। तो बुद्धि में अनुभवगामी अवधारणाएं अर्थात संस्कार, अनुभवगामी कल साधन भाई ने बढ़िया से बताया था किसी ने कहा था तो कि अनुभवगामी अवधारणाएं क्या हैं, कि जो पहले पठन करना उसका मनन करना, मनन के बाद उसके प्रयोजनों को पहचानना, उसके अपने लिए मेरे लिए उपयोगी है इस बात की स्पष्टता होना, और फिर यदि अवधारणाएं बनती हैं तो उनको जीने में देखना जिससे कि वो अवधारणाएं पुष्ट होती हैं, उसको कह रहे हैं अब संस्कार बना। इसलिए शरीर की आवश्यकता है क्योंकि कोई भी विचार कल्पना में आने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने से, जो अपन पढ़ा था कि मानव जीवन जो है चेतन निकाय इस शरीर को चला ही रहा है सुखास्वादन के लिए, तो अपनी आकार को जो मनाकृति को जब साकार करता है व्यवहार में और उससे होने वाली उपलब्धि को जब वो सुख की और समृद्धि के रूप में पहचानता है उससे उसमें संस्कार स्थापित होता है। तो संस्कार बुद्धि में प्राप्त अनुभवगामी अवधारणाएं अर्थात संस्कार क्रम से विचार व क्रिया में अव्यक्त होती हैं, यही संस्कार जो हैं हमारे विचार व क्रिया में व्यक्त हो जाते हैं, और क्रिया से प्राप्त विचार पुनः अब जब हम कर्म करते हैं तो उससे जो फल परिणाम उपलब्ध होते हैं उनका भी मूल्यांकन होता है, पुनः अनुमान सहित अवधारणा में ये स्थित होते हैं। इस तरह से अवधारणा का पुष्ट होते हुए और जो नई जो बाकी की बची हुई अवधारणा क्रम से अवधारणा पूर्ण होना उसी को कह रहे हैं फिर बोध है अवधारणा। तो अनुभव मूलक बोध और अवधारणा से जब बोध होता है उसी समय बुद्धि आत्मा में प्रत्यावर्तन होता है, और उसी को कह रहे हैं अनुभव मूलक बोध ही धारणा है। अब ये अवधारणा काहे में बदल गई, धारणा में बदल गई, और धारणा को भी यदि आप लोगों को याद हो स्मृति में हो ना, जो कि होना जरूरी है अध्ययन करने के लिए, कि
धारणा ही धर्म है ना? तो या धारणा माने जिसको, या धर्म का मतलब जिसको जिससे अलग नहीं किया जा सके वही उसकी धारणा है। तो मानव की धारणा सुख ही है। अब यही संस्कार है, तो जब ये धारणा बन गया उस समय कह रहे हैं कि अब मानव संस्कारित हुआ या अनुभव मूलक बोध ही बेसिकली धारणा के रूप में, संस्कार के रूप, धर्म के रूप में, सत्य के रूप में, न्याय के रूप में, समस्त मानव की धारणा मात्र विश्राम ही है। कहते क्या है, सारी धारणा का ऑब्जेक्टिव क्या है? विश्राम। समस्त श्रम जो है वह विश्राम है, और यहाँ पर विश्राम को बहुत ही अच्छे से बताया था, आकृतत्व के रूप में, ना कि अकर्मणत्व के रूप में, है ना। विश्राम का मतलब आलस्य प्रमाद नहीं है कि हमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि कोई भी जड़ जगत की इकाई श्रम गति परिणाम से मुक्त नहीं है, चेष्टा से मुक्त नहीं है। चेष्टा तो होता ही, होती ही रहती है। इसलिए समस्त इकाई में जो श्रम है, श्रम तो बना ही रहेगा, लेकिन उसके अनुरूप फल परिणाम आते रहते हैं, वह विश्राम है। तो समस्त मानव की मात्र विश्राम है। विश्राम योग अवधारणा मात्र न्यायपूर्ण व्यवहार से या धर्मपूर्ण विचार से तथा सत्य में अनुभूत सहित संभव होता है। इससे कम में अवधारणाएं जो अन्यायवादी या अवसरवादी या जो प्रिय हित लाभात्मक हैं, उनसे विश्राम की उपलब्धि नहीं हो पाती है, कि हमारे ही अंतर विरोध बना रहता है, दुख कलह आतंक व्यक्त होता है। सत्य के आश्रय में धर्म और न्याय रहता ही है। धर्मपूर्ण विचार से तथा सत्य में अनुभूत सहित संभव होती है विश्राम योग अवधारणा, और सत्य के आश्रय में धर्म तथा न्याय है ही। न्याय आश्रित मानवीय इकाई, अर्थात जब यहाँ पे इकाई कह रहे हैं तो व्यक्ति भी एक इकाई है, परिवार भी एक इकाई है, समाज, राष्ट्र और विश्व भी एक इकाई है। तो न्याय आश्रित मानवीय इकाई द्वारा संपादित समस्त क्रिया तथा व्यवहार मात्र सुकृत परिणाम और परपाक फल हेतु कारण ही है। परपाक फल को श्रवण भैया ने बहुत अच्छे से समझाया था कि एक लंबे समय के बाद ना किसी फल का ना वो एक रिजल्ट आता है। जैसे हम एक बच्चे को बड़ा करते हैं, पिता ना, तो उसका जो फल आता है, हम बच्चे को 3 साल का है, 5 साल का है, तो है ना उसके उसकी अवस्था के अनुसार जो उसमें माइल स्टोन्स देखने हैं। जैसे जो छोटा बच्चा है तो मुस्कुरा देता है, उससे ही हम खुश रहते हैं। उससे तोतली आवाज में बात करते हैं, वो भी तुतला के बोलता है, तो हम खुश रहते हैं। लेकिन यदि वही बच्चा जब 6 साल का हो जाए, 5 साल का हो जाए, फिर भी तोतली आवाज में बोलेगा, तो हम परेशान हैं। या जब वो छोटा है तो घुटनों के बल चलता है, तब हम बड़े खुश हैं। लेकिन वही बड़ा बड़ा हो जाए एक उम्र के बाद, जहाँ पे अब उसको पैर पे चलना चाहिए और फिर घुटनों से चले, तो नहीं चलेगा। तो क्या हो रहा है, जो फल है, तो फाइनली देखेंगे तो एक लंबी प्रक्रिया है माता पिता अभिभावक के साथ, अपने बच्चों के साथ, कि उनकी जो तृप्ति होती है जब वो बच्चा एक उम्र का होने के बाद, जिसको अपन 20, 21, 22 कह सकते हैं, जहाँ पर वो अपने ही स्वावलंबन के लिए कुछ स्किल्स को सीख जाता है ना, समाज उपयोगी काम करने लगता है, और साथ ही साथ समाधान को व्यक्त कर पाता है, अर्थात माता पिता से और जो समाज से, बड़ी लोगों से ना, बड़े लोगों से, गुरु से जो भी सहायता मिली उसके प्रति कृतज्ञ हो पाता है। यही माता पिता की और अभिभावकों की पूंजी है, जो कृतज्ञता के रूप में आगे आने वाले से व्यक्त होती है, तब जा करके वो फल फलित हुआ हमारा सारा क्रम। और यही दुविधा हम आजकल बुजुर्गों में देखते हैं, वो ये पाते हैं कि वो सफल नहीं हो पाए। भौतिक रूप में उनके बच्चे सफल होते हुए भी जब वो बच्चों में उस तरह की कृतज्ञता नहीं देख पाते हैं, इसी को वो असफलता के रूप में मूल्यांकन, फलस्वरूप उनको लगता है कि उनका श्रम था वो व्यर्थ चला गया, और उस श्रम की एक पीड़ा अधिकतर लोग देते हैं। तो न्याय आश्रित मानवीय इकाई जो है, अर्थात व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, राष्ट्र के रूप में, विश्व के रूप में द्वारा संपादित समस्त क्रिया तथा व्यवहार मात्र सुकृत परिणाम परिपाक फल हेतुक ही हैं, जिससे ही समाधान एवं सह अस्तित्व है। न्याय आश्रित व्यवहार संपन्न समाज में मानवीयता तथा अति मानवीयता की प्रतिष्ठा स्पष्ट है। तो न्याय आश्रित जो व्यवहार संपन्न समाज है,
मानवीयता और अति मानवीयता दिखाई देती है। बाबा जब लिखते हैं ना प्रतिष्ठा स्पष्ट है, तो लोग कई बार लगता है बाबा अभी कहाँ प्रतिष्ठा है, तो बाबा समय के इस परिस्थिति को नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं यही प्रतिष्ठित है, माने ज्ञान ही प्रतिष्ठित होता है, न्याय ही प्रतिष्ठित है, क्योंकि यही मानव चाहता है, इसी में जाकर के उत्तृप्त को महसूस करता है। इस अर्थ में न्याय की ही प्रतिष्ठा है, अन्याय की प्रतिष्ठा नहीं हो पाती मानव समाज में। इसीलिए उसको आगे लिख रहे हैं, उसके विपरीत अवसरवादी व्यवहार से भ्रम एवं अज्ञान से पीड़ित होता है, जिससे अमानवीयता का प्रादुर्भाव होता है, जो पीड़ा है इसी से पता लगता है कि इसकी नहीं है। लघु मौलिकता से गुरु मौलिकता की ओर प्रगति सुकृत, और गुरु मौलिकता से लघु मौलिकता की ओर गति को विकृत परिणाम, तो जो और श्रेष्ठता की ओर जो गति है उसको कह रहे हैं सुकृत, और जो श्रेष्ठता से गुरु से नीचे की ओर जो गति होती है उसको विकृत परिणाम। कब तक होता रहता है? जब तक अवधारणाएं धारणा में ना बदल जाए, तब तक ये प्रक्रिया है। विकृत परिणाम परिपाक एवं फल की हेतुक संख्या। मानवीय व्यवहार की दृष्टि, तो मुझे लगता है 3-4 मिनट बचे हैं, लेट मी सी सम कमेंट्स, और मैंने कुछ जो पीपीटी बनाई है उसको 2-4 मिनट अपन अभी देख सकते हैं। कमेंट्स एक बार देख लेता हूं। अच्छा, और समय साउंड नहीं थी जब आरजी भाई देख रहे थे, वो तो वीडियो केवल पीपीटी ही रन कर रही थी सभी को, और बिल्कुल बिल्कुल आप आज गायब है, वो तो का समय चल रही थी भैया। फिर से आपको इसको अपन शाम को ले लेंगे। कृपया विचारों पर ध्यान देने की प्रक्रिया की वीडियो ऑडियो अपलोड करें, आकार को स्पष्ट करिए। आकार तो बहुत सिंपल है, जैसे मेरे मन में एक आकार आता है कि ये घर बनाना है ना, तो उसका एक चित्रण होता है, उसके अनुसार उस आकार को हम साकार करते हैं, माने खाली घर बना देते हैं। या हमारे मन में आकार आता है कि कहीं घूमने जाना है, या आज ना एक पिज्जा बनाएंगे, या बर्गर बनाएंगे, या पूड़ी खीर बनाएंगे। ये जो मन चित्त में, माने यहाँ जब अपन मन कह रहे हैं तो जीवन को संयुक्त रूप में कह रहे हैं, तो जो मन में अर्थात जीवन में जो आकार स्पष्ट होता है ना, उस आकार को साकार करने के लिए जो फिर हम कार्यकलाप या व्यवहार करते हैं उसको कह रहे हैं आकार। बढ़िया, तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन वाला देते हैं, और उस प्रेजेंटेशन को अपन लोग कल भी तो चालू, मतलब आज शाम को ही देखेंगे। तो इस प्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा था, 3-4 मिनट है अपने पास है। तो बढ़िया, तो कारण इस तो जो 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 चर्चा आई है अभी तक की उसको एक बार समअप कर देते हैं। तो ये तो बढ़िया हो गया, अवसरवादी और न्यायवादी हमने बात कर ली ना, सदोष इसका फल क्लेश कलह आतंक और भ्रम के रूप में, और इसका शीघ्र परिणामवादी है, संग्रह द्वेष अज्ञान अभिमान भय वजह से उत्पन्न होती है, जबकि उसकी जगह असंग्रह स्नेह विद्या सरलता और अभयता जो कि नित्यवादी है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि बुद्धि में आत्मबोध ना होना या विज्ञानमय कोश की जागृति के अभाव में ऐसा होता है, और बुद्धि में आत्मबोध होने के बाद हम न्यायवादी विचार कर पाते, जो अभी सुकृत और विकृत परिणाम। ये जो बात आई कारण सूक्ष्म और स्थूल, तो इसको कह रहे हैं कारण क्रिया, आत्मा और बुद्धि के संयुक्त स्वरूप को कारण क्रिया, और चित्त वृत्ति और मन के संयुक्त स्वरूप को सूक्ष्म क्रिया कह रहे हैं, और फिर प्राण हृदय को स्थूल, और इन शरीर और जीवन के माध्यम से होने वाले को फिर व्यवहार कार्य व्यवहार, और इसमें होने वाले जो क्रम है, और इसी में जो पॉजिटिव क्रम है कि मन और वृत्ति में होने से सुख, एक सूत्रता होने से, और इस तरह से सुख आनंद, आत्मा जब व्यापक में अनुभूत होती है तो उसी को परमानंद, जो पहले के चैप्टर। तो होता क्या है, बुद्धि में जो आया सत्य बोध का अभाव है ना, सत्य बोध का अभाव होने से अपने ज्ञान को बुद्धि श्रेष्ठ मान ली, तो अपन ने अहंकार कहा,
एक्चुअली चित्त में होने वाली क्रिया है ना, जो ऐसा लगता है कि क्योंकि बुद्धि तो चुप है, तो चित्त ने ही अपने ही अभी मतलब चित्रणों को श्रेष्ठ माना ना, या अपने तर्क को श्रेष्ठ मानने से चित्त क्षुब्ध कह रहे हैं उसको, बुद्धि क्षुब्ध माने चुप है बुद्धि, अपने ज्ञान को जो श्रेष्ठ मान लिया जीवन ने, और वृत्ति में अपने ही विचार और कार्य योजनाओं को श्रेष्ठ मान लिया, और मन ने जो विषय भोग को श्रेष्ठ मान लिया, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब जबकि होना कैसा है, तो कार सही अर्थों में देखेंगे तो आत्मा को सत्य का अनुभव होना है, अर्थात व्यापक का सहस्तित्व, बुद्धि में संस्कार स्थापित होना है अर्थात सही की स्वीकृतियां होनी है, चित्त में सत्य का साक्षात्कार होना है, तो यदि मोटे स्वरूप को देखेंगे तो जीवन का अमृत, शरीर के नश्वरत्व और व्यवहार के नियम स्पष्ट होने हैं, और वृत्ति में न्याय धर्म सत्य की दृष्टि है, और मन में मूल्यों का आस्वादन संबंध और संबंधों का चयन होना है। अभी जो मन जो है वो प्रियहित लाभ माने रुचि मूलक ना चीजों का चयन करता रहता है उस, या अपनी मनमानी करता रहता है उसी का, उसकी जगह मूल्यों का आस्वादन और संबंधों का चयन होना है, जिससे स्थूल शरीर के द्वारा जीवन और स्थूल शरीर के संयुक्त स्वरूप में न्यायपूर्ण व्यवहार और नियमपूर्ण कार्य को हम कर पाएंगे। तो मुझे लगता है अभी समय हो गया, इसको सेकंड सेशन में और भी है ना, जो Q&A है वो तो अपन ले लेंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को नमस्कार। यदि मानव दो ही तरीके से न्याय करता है, या तो अवसरवादी तरीके से न्याय करता है जो कि ना समझी बस होता है, या फिर समझदारी के बाद ज्ञान संपन्न होकर के न्याय करता है, जो अवसरवादी ना होकर के शीघ्र परिणामी ना होकर के जो गुरु मूल्यन की ओर है, जो तृप्तिदायक है, जिससे एक से अनेक तक पोषण होता है, इस तरह के व्यवहार को मानव सहज न्याय कह रहे हैं। और ये कहने की कोशिश की जा रही है कि मानव की तृप्ति जो है वो मानव सहज न्याय से ही होगी, किसी और तरह के व्यवहार करने से मानव तृप्त नहीं हो सकता, किसी को अलग 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 ढंग से बाबा ने बताया है। और ये भी बताया है कि व्यवहार करने में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और वो रोल है शरीर का, प्राण का, हृदय का, मेधस का, पूरे शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो अब इससे आगे पढ़ते हैं, लघु मौलिकता से गुरु मौलिकता की ओर, हम लोग पेज 107, लघु मौलिकता की ओर गति को विकृत परिणाम परिपात एवं फल की हेतुक संज्ञा है। तो हम लोगों ने कल भी चर्चा की कि जो फल है वो लगभग इमीडिएट है, परिपाक ऐसा फल है जो एक समय के बाद आता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म यदि हम कहें। तो कुछ लोगों ने कहा था कि लघु मौलिकता से गुरु मौलिकता, और जो बौद्धिक अंतर है तो सारा बौद्धिक क्षेत्र में जो अंतर है वो अमानवीयता से मानवीयता, अमानवीयता में तो बौद्धिक स्तर पे इंटेलेक्चुअल लेवल पर, या जो मन वृत्ति चित्त है, और इवन जो अवधारणा है, क्योंकि अवधारणाएं क्रम से बनती हैं तो अंतर रहता ही है जब तक कि हम उस ट्रांजिशन को ना पूरा कर लें, जो क्रिया पूर्णता जिसको कहा जा रहा है, जिसको अनुभव मूलक है ना, या अनुभव संपन्न ना हो जाए, ऐसा हमारा कार्य व्यवहार ना हो जाए, विचार ना हो जाए, तब तक अंतर बना रहता है। और ये लघु मौलिकता से गुरु मौलिकता की जो गति है, प्रगति है, उसको सुकृत परिणाम या जो शोषण कारी है उसको विकृत, और जो पोषणकारी गति है एक से अनेक तक की उसको परिणाम कह रहे हैं। मानवीय व्यवहार की दृष्टि स्वभाव एवं विषय के आधार पर, मानवीय व्यवहार की दृष्टि स्वभाव एवं विषय के आधार पर सामाजिकता का निम्न अनुसार वर्गीकरण किया गया है। तो मानवीयता, अति मानवीयता और अमानवीयता, इसकी अपन चर्चा
पिछले अध्यायों में अच्छे से कर चुके हैं। फिर भी तो मानवीय दृष्टि क्या है ना, तो धीरता, वीरता, उदारता मानवीय दृष्टि है। एक हम रेफरेंस को पहचान ले रहे हैं ना, मानवीयता को पहचानने के साथ ही जब उस रेफरेंस को पहचानते हैं तो उसके रेफरेंस में हम जो बात कर रहे हैं, जो ऐसी दृष्टियां नहीं है जिसको दीनता, हीनता, क्रूरता कह रहे हैं ना, उसको फिर अमानवीय दृष्टि कह रहे हैं। और इस रेफरेंस से अधिक जो है, जो ऐसे रेफरेंस को लोगों में स्थापित कर पाता है, ऐसे दृष्टियों को हम अति मानवीय दृष्टि या अति मानवीय स्वभाव या अति मानवीय विषय कह रहे हैं। तीन स्थितियों की बात कर रहे हैं। एक जो स्टैंडर्ड है, जो मानवीयता है, तो स्टैंडर्ड कहाँ से आया कि मानव सुख पूर्वक ही जीना चाहता है, मानव हमेशा हारमोनी में जीना चाहता है। उस स्टैंडर्ड को लेकर के जो चिर अपेक्षित चाहत है मानव की, उस स्टैंडर्ड को हम लोग अपने यहाँ पर मानवीय स्टैंडर्ड कह रहे हैं। उससे जो नीचे का स्टैंडर्ड है, जिसमें मानव क्षणिक सुख और दुख को झेलता रहता है ना, अपने संबंधों का निर्वाह नहीं कर पाता, अपनी ही अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाता है, उसको अमानवीय कह रहे हैं, है ना। और जो ऐसा ऐसा दृष्टि, स्वभाव और विषय जो दूसरों में मानवीयता को स्थापित करने में सहयोगी हो पाता है, उसको अतिमान। बहुत ही बढ़िया स्पष्ट ढंग से मुझे लगता है अब हम सबको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो, मानवीयता की जो पोषक दृष्टि, गुण, स्वभाव और विषय वाली इकाई को मानव की संज्ञा, अति मानवीयता की जो पोषक दृष्टि, गुण, स्वभाव, विषय वाली इकाइयों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, देव मानव और दिव्य मानव। तो मानवीय व्यवहार की दृष्टि हम सबको स्पष्ट हो गई, धीरता, वीरता, उदारता। स्वभाव के रूप में देखेंगे तो स्वभाव स्पष्ट हो गया, धीरता, वीरता, उदारता। दृष्टि के रूप में देखेंगे तो न्याय, धर्म और सत्य की दृष्टि। मानवीय व्यवहार में, मानवीयता में न्याय प्रधान रूप में धर्म और सत्य रहता है, क्योंकि सच्चाई तो मानव को भी पूरी समझ में आती है, अनुभव तो रहता ही है, तो सत्य रहता ही है, धर्म रहता ही है, प्रधानता जीने में न्याय की रहती है। ऐसे ही विषय में यदि देखेंगे तो पुत्रेषणा, वृत्तेषणा, लोकेषणा या धन बल, जन बल और यश बल, कामना, है ना। यहाँ पर क्या अंतर हो गया है, अभी का जो हमारा धन की चाहत है वो संग्रह और सुविधा के लिए है, जन की चाहत भी उसी लिए है, यश की चाहत भी उसी लिए है, जबकि मानवीयता में जो धन चाहिए, जन चाहिए, यश चाहिए, ये व्यवस्था के लिए चाहिए, व्यवस्था में भागीदारी के लिए, और अति मानवीयता में व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। तो इस तरह से तो देव मानव और दिव्य मानव में क्या अंतर हो जाता है, देव मानव यश बल प्रधानता से जीता है ना। स्वभाव उसका विषय देखेंगे, स्वभाव देखेंगे तो दया प्रधान, कृपा और करुणा है, और दृष्टि देखेंगे तो धर्म प्रधान दृष्टि, और ऐसे ही दिव्य मानव में सत्य प्रधान दृष्टि है, उसमें धर्म और न्याय समाया ही है ना। हर इस ढंग से देखेंगे तो गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है ना। और दृष्टि देखेंगे यदि दिव्य मानव में, तो यहाँ पर सत्य प्रधान हो गई, और विषय सिर्फ सत्य है, सह अस्तित्व तो ही मात्र मेन ऑब्जेक्टिव रह जाता है, जिसके लिए सारी क्रियाशीलता करुणा प्रधान स्वभाव के द्वारा बनी रहती है। दया, कृपा, करुणा का यदि उदाहरण देखना चाहें तो मुझे ये बढ़िया लगता है कि किसी में वस्तु, एक है पात्रता विकास करना, एक है योग्यता विकास करना, और पात्रता योग्यता दोनों ही जिसमें ना हो, दोनों का विकास करना करुणा है। इस तरह से दया, कृपा और करुणा में अपन अंतर देख सकते हैं। अमानवीयता की पोषक दृष्टि, गुण, स्वभाव और विषय वाली इकाइयों को भी दो श्रेणी में वर्गीकृत किया, और वो दो श्रेणी है पशु मानव और राक्षस मानव, इसकी हमें लगता है हम लोग पहले चर्चाएं काफ़ी कर चुके हैं। पशु मानव में दीनता प्रधानता दिखाई देती है, और राक्षस मानव में क्रूरता प्रधान बिना दिखाई देता है। ये भी बहुत स्पष्ट है कि एक ही व्यक्ति पशु और राक्षस में बदलता रहता है, ये कोई 100% पशु 100% राक्षस नहीं रहता। वही व्यक्ति किसी के सामने गिड़गिड़ाता है, दीनता याचना करता है, अपने सुखी होने के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है, वही व्यक्ति दूसरी स्थितियों में, परिस्थितियों में, समय में, एक ही दिन में
अपने को कहीं कहीं क्रूरता पूर्वक व्यक्त होता है, इस तरह से एक वेरिएशन दिखता है, क्योंकि ये पद अनित्य पद हैं अमानव में, ये इनमें वेरिएशन परिणामवादी है और समय के अनुसार स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, जबकि जो न्याय धर्म सत्य वाला है वो नित्यवादी है, वो बना ही रहता है, इसीलिए उसमें सत्यता पाई जाती है। मानव जागृत, अब देखिए मानव कैसा है, मानव जागृत है, अति मानव क्या है, पूर्ण जागृत है, और अमानव अजागृत इकाई है, ये इनमें अपने को वेरिएशन दिखाई दे रहा है। तो मानव स्टैंडर्ड है, कह रहे हैं वो जागृत हो गया है, किस चीजों के प्रति जागृत हो गया, सच्चाइयों के प्रति उसकी अवेयरनेस आ गई है, में आ गई, व्यवहार के प्रति जागृत हो गया, समृद्धि के प्रति जागृत हो गया, प्रकृति के प्रति जागृत हो गया, और अति मानव पूर्ण जागृत, अर्थात ये जो अजागृत इकाइयां हैं और जो जागृत इकाइयां हैं उनको भी मार्गदर्शन देने में समर्थ है, इस तरह से अंतर अपन देख सकते हैं। शोषण तथा पोषण भेद से ही मानव गुरुमूल व लघु मूल्यन प्रक्रिया को संपन्न करता है। तो शोषण तथा पोषण भेद से, तो अपन ने पहले भी बात की, गुरुमूल्यन का मतलब है जो अपने से कम का पोषण कर पा रहा है, स्वयं का भी पोषण कर रहा है, और लघु मूल्यन का मतलब है जो शोषण कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, क्योंकि अपनी बात हुई थी मानव इन तीनों अवस्थाओं से, माने पदार्थ प्राण और जीव अवस्था से अधिक विकसित है, लेकिन विकसित होने का मतलब होता है पोषण में सहयोगी हो पाना ही अपने विकास का प्रमाण है। शोषण में, शोषण करने से ये तो पता लगता है कि ये विकसित है, लेकिन विकसित होने का प्रमाण नहीं दे पा रहा है, इस अर्थ में अपन इस। अब देखिए बहुत ही मजेदार सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि लघुत्व का गुरुत्व पर, संकीर्णत्व का व्यापकत्व पर, अल्पत्व का बृहदत्व पर, व्यस्तित्व का समष्टित्व पर, दुर्बल का सबल पर, अक्षम का सक्षम पर, अनाधिकारी का अधिकारी पर, आक्रमण पूर्वक अधिकार पाने का प्रयास सफल नहीं होता, तदनुसार अवसरवादिता न्यायवादिता पर सफल और सिद्ध नहीं है और ना होगा। बहुत ही गजब का सूत्र है। लघुत्व का गुरुत्व पर, माने जो लघु है, जो शोषणवादी है वो पोषणवादी पर, संकीर्णत्व का व्यापकत्व पर, जो संकीर्ण है ना, इसको दो ढंग से देख सकते हैं, इकाई का व्यापकत्व पर, हाँ, या जो स्वार्थ में चल रहा है उसका, जो परमार्थ कर रहा है उसके ऊपर, अल्पत्व का बृहदत्व पर, जो छोटा है उसकी बड़ी इकाई पर, व्यस्तित्व का माने इंडिविजुअल इकाई का समष्टित्व पर, संपूर्णता है उस पर, दुर्बल का सबल पर, जो कमजोर है उसका, जो अधिक बलशाली है उस पर, अक्षम का सक्षम पर, ना जो कम क्षमता के साथ है उसका अधिक क्षमता वाले पर, है ना, सक्षम माने जो न्याय कर पाता है, मानव पर माने अमानव का मानव पर, अनाधिकारी का अधिकारी पर, आक्रमण पूर्वक अधिकार पाने का प्रयास सफल नहीं होता, जो मैं कल बोल रहा था, ऐसे लोग जो यदि अधिकार अपने से अधिक पर अधिकार पाने का प्रयास करते हैं आक्रमण पूर्वक भी, तब भी वो सफल नहीं होता, अर्थात जो मानव है उस पर अमानव, अमानव अधिकार पूर्वक आक्रमण पूर्वक भी उस पर अधिकार पाले, ये संभव नहीं है, ऐसा अस्तित्व का डिजाइन नहीं है। तो अधिकतर लोग जो ये माने रहते हैं कि समझदार लोग दुखी हैं, ये एक्चुअली समझदारी नहीं है, वो संवेदनशील हैं, संज्ञानशील नहीं है, इसलिए उनको ऐसा दिखाई देता है ना, तो क्योंकि ठीक से समझे नहीं है समझदारी को, ज्ञान संपन्न नहीं हुए हैं, पहले ही अपने को समझदार मान लिए, इसलिए ऐसा उनके उनके ऊपर आक्रमण पूर्वक दूसरे लोग सफल हो जाते हैं, है ना। तो सच्चाई ये है कि मानव पद पर उससे जो कम, क्योंकि सिद्धांत ही है, जो अधिक श्रेष्ठ है उस पर कम श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकता, इस अर्थ में इसको बाबा ने बहुत ही अलग अलग एंगल से इसको लिखा है, इसीलिए कह रहे हैं तदनुसार, इस प्रकार अवसरवादिता पर,
अवसरवादिता न्यायवादिता पर सफल और सिद्ध नहीं है और ना होगा, ये आज भी नहीं है, भविष्य में भी नहीं होना है। तो हम न्याय करेंगे तो फंस जाएंगे, ऐसी कोई संभावना नहीं है। न्याय करने वाला मानव अमानव से अधिक श्रेष्ठ रहता है, इतना ही है कि वो अमानव का शोषण नहीं करता है बल्कि उनका पोषण करता है। इसीलिए अमानव भी मानव का सम्मान करने के लिए और या उस जैसा बनने के लिए लालायित रहते हैं, प्रतीक्षित रहते हैं। ये समझ में आता है। इसी अर्थ में मानव पद की प्रतिष्ठा है या ज्ञान की प्रतिष्ठा है या न्याय की प्रतिष्ठा है, ऐसा कहा जा रहा है। बढ़िया, किसी ने अच्छा सवाल पूछा है ना बाबू भाई? इसके इसको पूरा करने के बाद अपन इस पर चर्चा करेंगे। भारत इतने वर्ष यदि गुलाम रहा, एक्चुअली हमें उल्टा करना चाहिए। हम क्या करते हैं, जैसे हमें मानते हैं कि हम समझदार हैं और फिर दुखी हैं, हम इसको नहीं छोड़ पा रहे कि इसका मतलब हो सकता है हम समझदार नहीं हैं, है ना? उसकी वजह हम क्या बार बार कह रहे हैं, देखो हम समझदार हैं फिर भी दुखी हैं। तो यदि हम गुलाम रहे, इससे उल्टा निष्कर्ष निकालना चाहिए, शायद अपने में कुछ कमी रही होगी। क्योंकि श्रेष्ठ यदि हम मानव पद में रहे होते, अमानव मानव पर अधिकार नहीं कर सकता। मानव किसी भी अमानव का किसी भी देश काल स्थिति परिस्थिति में गुलाम नहीं रह सकता। इसकी कोई अस्तित्व में व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब अपने को सोचना पड़ेगा कि उसके बावजूद भी यदि हम अपने को ये कहना चाहते हैं, है ना, कि हम श्रेष्ठ थे, इसको अच्छे से मन लगा के इस पे अपने को विचार करना चाहिए, तभी ये स्पष्ट होगा। उपरोक्त अनुसार ही एक व्यक्ति द्वारा कुटुंब द्वारा समाज के, एक समाज द्वारा राष्ट्र के, एक राष्ट्र द्वारा विश्व के साथ न्याय सम्मत व्यवहार तथा अनुसरण प्रणाली है। ऐसे ही डिजाइन है ना। क्या डिजाइन है कि जो बृहद है वो दूसरे के साथ उसको मार्गदर्शन करने में, जो नेचुरल डिजाइन है वो यही है। कुटुंब व्यक्ति का, समाज कुटुंब का, राष्ट्र समाज का, विश्व राष्ट्र का, है ना। इस ढंग से ही उनको मार्गदर्शन करना चाहिए। इसी ढंग से अनुसरण प्रणाली से स्वर्गीयता का अनुभव जागृत मानव परंपरा में ही है। अभी की स्थिति में नहीं कह रहे हैं, है ना। अभी अजागृत स्थिति में तो व्यक्ति ही, क्योंकि परंपराएं ठीक नहीं है, व्यक्ति ही अनुसंधान पूर्वक इसको स्थापित करेगा सच्चाइयों को, ना। या कुटुंब अभी अभी प्रक्रिया कैसे चलेगी, व्यक्ति कुछ परिवार फिर समाज, ऐसे अभी ऐसे प्रक्रिया चलेगी। और एक बार व्यवस्था स्थापित हो जाती है उसके बाद ये जो प्रक्रिया है जागृत मानव प्रणाली में, जहाँ पर कुटुंब व्यक्ति का, समाज कुटुंब का, राष्ट्र समाज का, विश्व राष्ट्र का, उनके मार्गदर्शन करता है। और ये सब व्यक्ति कुटुंब एक अपने से बड़ी इकाई का अनुसरण प्रणाली से चलते हैं, इसमें ही स्वर्गीयता का अनुभव होता है। इसलिए सिद्ध है, यह इसलिए भी सिद्ध है, गुरु मूल को लघु मूल में समाहित नहीं किया जा सकता, है ना। इसलिए ये भी इससे निकल के आता है कि जब एक व्यक्ति अनुसंधान कर लेता है तो वो अनेक व्यक्तियों को दबाव पूर्वक काम नहीं कर सकता है। कि स्वतंत्रता हर व्यक्ति में, कुटुंब में, समाज में ये बनी रहती है कि ये जो आया हुआ प्रस्ताव है उसको स्वीकारने का हर व्यक्ति की कर्म स्वतंत्रता बनी ही रहती है। इसका हनन नहीं किया जा सकता। जब इसको एक दूसरे व्यक्ति, कुटुंब, समाज स्वमूल्यांकन पूर्वक इसको श्रेष्ठ पाते हैं, फलतः इसका अनुसरण करते हैं और समाज में एक जागृत मानव परंपरा माने एक ऑर्गेनिक विधि से स्थापित होती है। इसको शासन विधि से, दंड विधि से, है ना, स्थापित प्रलोभन विधि से स्थापित नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये एक एक दूसरे ढंग से देखेंगे तो हमें ये लग सकता है कि ये स्लो प्रोसेस है, बट यही सही प्रोसेस है और स्थायी प्रोसेस है। जितने भी फास्ट ट्रैक प्रोसेस हैं वो स्थायित्व के साथ नहीं है, वो अवसरवादिता के साथ हैं, शीघ्र परिणामी हैं। जो ज्ञान परंपरा है ये चूंकि अपनी ही जागृति, व्यक्तियों की जागृति के साथ ही शुरू होती है। इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल एक सूत्र आया है, आप जो आगे जब बाकी किताबों का अध्ययन करेंगे तो बाबा कह रहे हैं सामाजिकता क्या है, समाज में अनुभव संपन्न व्यक्तियों की संख्या का बढ़ना ही सामाजिकता है। क्या गजब बात है ना। तो मानवोचित नियम पालन प्रक्रिया व नीति को अनुकूल
तथा इसके विपरीत को प्रतिकूल आचरण की संज्ञा। तो अनुकूल आचरण प्रतिकूल आचरण क्या है? जो मानव उचित अर्थात जो मानवीयता सम्मत है ना नियमों का पालन है, जो बौद्धिक नियम, तो अपन इसे क्या सरलता अभयता ज्ञान कह रहे हैं, असंग्रह, और सामाजिक नियम तो स्वतंत्र स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्यक्रम कह रहे हैं, और प्राकृतिक नियम जिसमें प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते हुए मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर ले। इस तरह का जो मानवोचित नियम पालन प्रक्रिया ही को ही अनुकूल प्रक्रिया है, ऐसी नीति को अनुकूल नीति। बाकी जो इसके विरोध में है, इसके अगेंस्ट है, अच्छी बात क्या है? इसके अगेंस्ट होने से मानव, एक से अनेक मानव स्वयं ही अपने में दुख का अनुभव करते हैं, पीड़ा का अनुभव करते हैं, अव्यवस्था की पीड़ा से संपन्न रहते हैं, फलस्वरूप इसको बदलना चाहते हैं, इसीलिए बदलता भी है। नियम ही न्याय है, न्याय ही ज्ञान है, ज्ञान ही विवेक व विज्ञान है, विवेक एवं विज्ञान ही समाधान है, समाधान ही नित्य सुख एवं पूर्ण है, सत्य ही नियंत्रण है और नियंत्रण ही नियम है। इस तरह से यदि अपन देखेंगे, इस पे काफ़ी चर्चा हुई है ना, फाइनली सह यदि पूरे एक ही उसमें देखेंगे तो अस्तित्व में एक ही नियम काम कर रहा है प्रधान रूप में, तो सत्य भी कह रहे हैं कि अस्तित्व सह अस्तित्व मूल नियम जो है वो सह अस्तित्व का ही है ना, तो सह अस्तित्व रूपी नियम ही बेसिकली मानव मानव की परस्परता में न्याय के रूप में है, और मानव में ज्ञान है जिसमें दो पक्ष आते हैं, विज्ञान और विवेक। एक जो है विवेक जो है वो लक्ष्य को निर्धारित करता है, और विज्ञान उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है इसकी दिशा को निर्धारित करता है, इसको मिला करके ही समाधान कह रहे हैं, और यही नित्य सुख है, यही नित्य सुख है। बिल्कुल आवाज बढ़ाते हैं भैया। सत्य ही नियंत्रण है, अर्थात ज्ञान ही फाइनली मानव में नियंत्रण का कारक है, और नियंत्रण ही फाइनली उसमें नियम के रूप में। अभी ठीक है आवाज। रूप बल पद एवं बुद्धि वैयक्तिक संपत्ति है, इनकी सफलता इनके सदुपयोग से ही है, जो सामाजिक तथा बौद्धिक नियम पालन से ही संभव है ना, ये मैंने अभी आपको बताया। तो बढ़िया, तो जो बौद्धिक नियम है रूप नहीं, जो रूप बल पद एवं बुद्धि है ना, ये क्या चीज है? ये वैयक्तिक संपत्ति है ना, ये व्यक्ति विशेष की संपत्ति, उसके उसकी उसकी संपत्ति है, और इनकी सफलता इनके सदुपयोग से ही है। तो रूप रूप एक किसी व्यक्ति का है, बल उसका खुद का है ना, इसमें शारीरिक बल, मनोबल, पद जो समाज तय करता है, और बुद्धि है ना, ये उसकी पद, इसमें यहाँ पे जब पद की बात कर रहे हैं तो मानव पद जो अस्तित्व सहज पद है उसकी बात कर रहे हैं है ना। तो यहाँ जो पद है, जो समाज द्वारा दिया गया पद है, वो सामाजिक है, सामाजिक संपत्ति है। यहाँ जो बल कह रहे हैं, यहाँ पे धन बल नहीं कह रहे हैं, जो शरीर बल है और जो मनोबल है उसको कह रहे हैं, जो धन बल है जो आगे आएगा वो सामाजिक संपत्ति है ना। यहाँ पर जो रूप है, क्योंकि हर रूप सुंदर रूप है ना, हर रूप एक अपने अपने आप में सुंदरता के साथ है, हर माँ को इसीलिए अपना बच्चा अच्छा ही लगता है ना। और आगे देखेंगे कि रूप का व्यवहार सच्चरित्रता के साथ, एक्चुअली जो रूप की जो ब्यूटी है, क्या गजब बात है, रूप की ब्यूटी क्या है? रूप की ब्यूटी उसकी सच्चरित्रता के साथ है। कितना ही रूपवान हो, चरित्र यदि ठीक नहीं है, चरित्र किसको कह रहे हैं? स्वधन सुनारी स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार। तो कितना ही आप अपने परिवारों में भी देख सकते हैं, और आज भी अधिकतर जितने भी परिवारों में जो मन मुटाव पति पत्नी में जो देखने को मिलता है, उसके मूल में एक प्रधान कारण दुष्चरित्रता देखी जाती है ना। जितने भी केसेस पेंडिंग है उनको भी देख सकते हैं। तो जो रूप का जो रूपबान है, उसका सही रूप की जो ब्यूटी है, वो एक्चुअली उसके चरित्र से ही पता चलती है। तो सच्चरित्रता, रूप का व्यवहार सच्चरित्रता के साथ संतुलित रहता है, बल का व्यवहार दया के साथ। तो अभी जो बलशाली है, माने जो शरीर बल की जो बात कर रहे हैं, इसका व्यवहार दया के साथ है ना, अपने से कमजोर का पोषण कर पाना शरीर बल में। और मनोबल को देखेंगे तो अपने से जिसका मनोबल कम है, अर्थात जिसको न्याय की स्पष्टता नहीं है, जो दीनता हीनता क्रूरता में जिया है,
उसकी पात्रता विकास कर पाना, उसको वस्तु उपलब्ध करा पाना, ये बल का व्यवहार, इसी को दया कह रहे हैं। तो बल का मनोबल और शरीर बल का व्यवहार दया के साथ संतुलित देखा गया। अभी हम जो बल को मानते हैं जो दूसरों के साथ है ना लड़ाई झगड़ा करने में काम कर ले, इसको कह रहे हैं कि ये संतुलित नहीं है और ये सफल नहीं है। ऐसे ही बुद्धि का व्यवहार दूसरों को, अभी माने जिसको अभी आज की बोलचाल की भाषा में जब अपन बुद्धि करते कहते हैं भ्रमित में देखें, तो बुद्धि तो भ्रमित नहीं है, इसकी अपनी चर्चा हो गई है, माने वो अपने को जो श्रेष्ठ मानना है, तो अभी हम स्मार्टनेस कह रहे हैं उसको, कि दूसरों को हम बेवकूफ़ बना देते हैं, है ना, जैसे गंजे को कंघी बेच आए, इस तरह को हम बोलते हैं कि बड़ा ही है ना माने इंटेलेक्चुअल है या जो भी है ना, अच्छा दूसरों को चूना लगा देना जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं, है ना। तो बुद्ध तो जबकि बुद्धि का व्यवहार कैसे सफल है या संतुलित है, विवेक एवं विज्ञान के साथ ही संतुलित पाया जाता है, और यही नियम और यही न्याय है, ऐसा अपने को स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह से रूप बल पद और बुद्धि, यहाँ पे पद ये अस्तित्व सहज पद की बात हो रही है, जिसको अपन कह रहे हैं कि अस्तित्व सहज पद जो मानव पद, देव मानव पद और दिव्य मानव पद है, ये व्यक्तिक संपत्ति है, इनकी सफलता इनके सदुपयोग से ही है, और इनका सदुपयोग क्या है इसको नीचे स्पष्ट कर दिया। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही अच्छा है ना स्पष्ट, कि जो रूप को अभी हम बार बार इतना ब्यूटी पार्लर पे दौड़ लगी हुई है, है? और आजकल ब्यूटी पार्लर का मतलब सिर्फ महिलाएं नहीं है, है ना। मैं तो मैरिजेज में अभी रिसेंटली गया था अपने ही भांजे भतीजों की, तो देखता हूँ कि सारा आप पूरी रिसेप्शन की तैयारी कर लो, है ना, और कितने बजे का लोगों को टाइम दे दो, और वो जब फाइनली डिपेंड करता है कि ब्यूटी पार्लर वाले ने कब छोड़ा, और बाकी सारे प्रोग्राम लेट हो जाते हैं, और वहाँ पर आपका कोई चलता भी नहीं है, क्योंकि सारा अभी हम रूप, सारी सुंदरता रूप को हम सुंदरता से देख रहे हैं, सच्चरित्रता के साथ देखेंगे, समझ पाएंगे, एक ज्ञान संपन्न हो पाएंगे, अभी ये सारे दवाओं से भी मुक्त हो पाएंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि इन दवाओं से अपन मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान ही वो ताकत है जो मानव को इस जो हमारे ऊपर दबाव हैं, अमानवीयता के दबाव हैं, उससे मुक्त करने में सफल हो पाता है। इससे कम में हम केवल एक संकल्प कर लें कि नहीं मैं तो संकल्प करता हूँ आज से ऐसा करूँगा, ये संकल्प सफल नहीं है, क्योंकि संकल्प तो बुद्धि की क्रिया है, और जब बोध होता है अवधारणाओं के आधार पर ही संकल्प मानव बना पाता है। सुरेंद्रपाल भाई कह रहे हैं बढ़िया, धन्यवाद, जो अपने से आगे के लोग जब उत्साह वर्धन करते हैं तो अच्छा ही लगता है, बहुत बढ़िया। तो उक्त व्यवहार न्याय आश्रित होने पर ही सफल है, अन्यथा अवसर बाधिता है। तो ये जो सारा का सारा व्यवहार है, जब ये न्याय के आश्रय में होता है तभी सफल हो पाता है, अन्यथा तो अवसर बाधिता है और उससे क्लेश ही पैदा होता है। अब जब यहाँ पर जब बात कर रहे हैं नीचे, जन धन एवं यश, यह कौटुंबिक और अखंड समाज की संपत्ति, खंडित समाज की नहीं है ना। तो जन बल किस लिए है, सामाजिक व्यवस्था के, धन किसके लिए, सामाजिक व्यवस्था, यश किसके लिए, ये बहुत ही गजब है। देखिए अभी हम जो यश मानते हैं अखबार में नाम छपना, ये यश नहीं है। इसलिए कई लोग ये भी बोलते हैं कि बाबा लोग है ना परिचय शिविर करते हैं, तो अधिकतर तो ये होता है कि दिव्य मानवीय, हमें लगता है हमारे में तो सारे गुण देव मानव, दिव्य मानव और मानव के ही हैं। धीरे धीरे पता लगता है कि ठीक मूल्यांकन करने पर कि जर्नी शेष है, हमारे में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं ही, संवेदनशीलता के रूप में भी हैं, कुछ कुछ अच्छी हमारी प्रवृत्तियों के रूप में भी है, हमारी सामाजिक धरोहर के रूप में भी है, हमारे कुटुंबिक धरोहर के रूप में भी है, लेकिन ये पता लगता है कि अभी जर्नी शेष है, और वहाँ से ही एक जिज्ञासा और हमारी जर्नी शुरू होती है ना। इसलिए बाबा एक सूत्र लिख रहे हैं, अपन पढ़ चुके हैं आगे, स्वयं का मूल्यांकन कर लो, फलतः दुखी प्रताड़ित नहीं होगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपना ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाएं ना, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, अपना ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाए। मजेदार बात यह है, सही का रेफरेंस आए बिना मूल्यांकन करने की हमारे पास कोई पैमाना ही नहीं रहता। इसी कारण लोग ये कहने लगे देयर इज नथिंग राइट और नथिंग रॉन्ग, क्यों, क्योंकि जब सही को ही नहीं पहचान पाएंगे तो सही और गलत कुछ होता है इसका निष्कर्ष भी हम नहीं ले पाते हैं। यहाँ पर मानवीयता ही मानव के लिए सही है, क्योंकि वो मानव में ही, मतलब मेरे में और आप में, मानव बोलना कहीं दूर की चीज़ नहीं है, हम और आप
जिस तरह से सुख शांति चाहते हैं वो मानवीयतापूर्ण आचरण से ही आ पाती है, न्याय सम्मत व्यवहार से ही आ पाती है। इसलिए इससे जुड़ा हुआ सारा काम ही है ना, जो लिख रहे हैं, न्याय सम्मत संबंध निर्वाह नीति रीति विधि भेद किए गए व्यवसाय प्रयोग आविष्कार से ही, आविष्कार तथा अनुसंधान और प्रयोजनार्थ से ही इन संपत्तियों का सदुपयोग सिद्ध हुआ है। तो जनबल धनबल यशबल का इन सब चीजों से ही वो सफल होता है, तथा सफलता मिली है, अर्थात जन धन एवं यश का उपयोग कौटुंबिक और अखंड समाज समृद्धि के लिए होना चाहिए, ना कि वैयक्तिक। इस प्रकार के न्यायपूर्ण व्यवहार से ही कुटुंब में परस्पर सहयोग सहकार तथा सहस्तित्व की भावना का विकास संभव है, जिससे परस्परता में विश्वास के प्रति दृढ़ता बनेगी। इस प्रकार अवसरवादी मनोवृत्ति का नाश होगा। तो जब हम जन अच्छा ये होगा कब, ये तो समझदारी से ही होने वाला है। तो जैसे ही समाज में अधिक लोगों की संख्या, ऐसे जीते हुए लोगों की संख्या बढ़ेगी जो अपने जन बल का, धन बल का, यश बल का अपनी व्यक्तिगत के लिए नहीं बल्कि कौटुंबिक और अखंड समाज के लिए काम करने में उपयोग करना शुरू करके, उस समय से लोगों में परस्परता में एक ट्रस्ट का लेवल, विश्वास के प्रति उनमें दृढ़ता बनेगी। और लोगों को, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ जीते हैं, यदि समाज में ऐसा जीते हुए लोगों की संख्या बढ़ती है तब धीरे धीरे ये समझ में आता है कि लोग भी उसको करने के लिए प्रेरणा पाने लगते हैं। यही मानवीय कृत वातावरण की महिमा भी है, और यही दूसरे ढंग से देखेंगे तो आज दबाव भी है, नेगेटिव मानवीयता का प्रभाव, माने समाज में मानवीयता स्थापित ना होने की वजह से। तो इस तरह से मानव कृत वातावरण का बहुत ही इम्पोर्टेंस यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। न्यायवादी व्यवहार से सामाजिक स्तर पर नैतिक मार्गदर्शन। अब देखिए क्या होता है, न्यायवादी व्यवहार करेंगे तो क्या होगा, सामाजिक स्तर पर नैतिक मार्गदर्शन, वैचारिक समाधान योग्य प्रेरणा तथा व्यापक सत्तानुभूति योग्य अध्ययन से। तो वैचारिक समाधान योग्य प्रेरणा एवं व्यापक सत्तानुभूति योग्य अध्ययन से अर्थ की सुरक्षा तथा सदुपयोगात्मक नीति का उद्घाटन है ना। तो ये अध्ययन से और परस्परता में न्यायवादी व्यवहार से ही ये सब प्रेरणाएं या अपने में इस तरह की प्रवृत्तियां उद्घाटित होती हैं। मानवीयता व अति मानवीयता को बोध गम्य कराने हेतु योग्य अध्यापन और सत्य अनुभूति योग्य समाधान व समृद्धि योग्य कर्म अभ्यास व परंपरा के पालन हेतु निष्ठा के उद्भव व विकास से सामाजिक जीवन की सफलता का मार्ग। तो मानवीयता और अति मानवीयता को बोधगम्य कराने हेतु अध्यापन है ना, और सत्य अनुभूति योग समाधान और समृद्धि योग कर्म अभ्यास। तो हम समृद्धि योग कर्म अभ्यास भी कर सकें, समाधान पूर्वक व्यवहार भी कर सकें, उसके अनुरूप अध्ययन और अध्यापन भी कर सकें, ऐसे परंपरा के पालन हेतु निष्ठा हो और इसी के निष्ठा के उद्भव और विकास से सामाजिक जीवन की सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। तो समाज में जो स्थितियां घटनी हैं, जैसे जैसे ऐसे जीते हुए लोगों की संख्या बढ़ेगी, ये हमारे हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। अभी अभी हम समाज में सफलता के आधार को है ना, धन संग्रह को, माने बड़ा अजीब है ना, कौन कितना कंज्यूमरिस्ट है, माने हमारे मापदंड भी देखिए, विकसित देश हम उसको कह रहे हैं जहाँ पर कैपिटा कंजम्पशन अधिक है। क्या क्या मापदंड हैं, कितना हम कचड़ा पैदा करते हैं, इससे हम माप रहे हैं कि हम कितने विकसित हैं, कितना पर कैपिटा, हम कितनी बिजली कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब हम अभी ये मान ही नहीं रहे कि हम कितना प्रोड्यूस करते हैं, माने प्रोडक्शन की महिमा नहीं है, कंज्यूमरिज्म की महिमा है। बिल्कुल उल्टे स्टैंडर्ड हमने सेट किए। एक तो मजेदार, अभी हमारी एक राजकोट से है ना मित्र का फोन, उन्होंने मैसेज किया कि भैया ये लॉकडाउन से इकोनॉमिक स्लोडाउन कैसे हो जाएगा, लॉकडाउन तो बढ़िया हो गया। क्यों, क्योंकि इतनी कारें नहीं दौड़ रही है ना, पेट्रोल डीजल का प्रोडक्शन माने कंजम्पशन कम हो गया, लोग उल्टे पुल्टे चीज़ें नहीं खा रहे है ना। तो बहुत सारे
है ना, काम हम जो जो गाड़ियां दौड़ती थी, बहुत सारी चीजें तो कम हो गई। तो ये क्या चीज है भाई, ये तो बढ़िया हो गया, इसमें हम लोग इतने परेशान क्यों हैं, है ना। तो बिल्कुल ठीक है, जितने भी हम जो निरर्थक काम के रुकने से तो बिल्कुल ही फायदा है। लोग बोल ही रहे हैं कि पोल्यूशन कम हो गया है ना, और मैंने दिल्ली में जैसा कभी नहीं देखा गया, या दिल्ली क्या पूरे वर्ल्ड में ना, सभी बड़े शहर अपने आप को एक तरह से राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैंने जब उनका ध्यान आकर्षण कराया कि लॉकडाउन में समस्या क्या है, कि जो अच्छी गतिविधियां थी वो भी रुक गई हैं, जैसे अध्ययन अध्यापन की गतिविधियां है ना, जैसे जो मानवीय उत्पादन है ना, जैसे खेती है, जैसे कपड़े बनाना है, और भी जो जो ठीक चीजें हैं उनका भी रुक गया। इसलिए इसमें असफल मतलब हम हमें ये ठीक नहीं है, बट ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो निरर्थक चीजें बहुत सारी रुकी हैं, एक्चुअली जो फर्स्ट फेज में होनी ही नहीं चाहिए, है ना। इस पे इतना ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा मानव जाति का, अभी तो लगता नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं लगता है, क्योंकि घटनाओं से कोई नियम समझ में नहीं आता। ये बड़ी जबरदस्त बात है, क्या घटनाओं से मानव नियम को नहीं पहचानता है, बल्कि नियम स्पष्ट होने से घटना स्पष्ट होती है, जबकि हर घटना किसी ना किसी नियम के तहत ही होती है। फिर से मैं रखता हूं इसको, घटनाओं से नियम समझ में नहीं आता, जबकि हर घटनाएं नियम से होती हैं, नियम समझ में आने से घटना एक्सप्लेन होती है। तो अब मानव को मानवीयतापूर्ण नियम की स्पष्टता कराने से ही उस वो ये देख पाएगा कि हम कहाँ कहाँ है ना, अपने आहार में, हमारे जीने के तौर तरीकों में क्या गलती कर रहे हैं, है ना। ये स्पष्ट होगा तब इन घटनाओं को ठीक से समझ पाएगा। अदरवाइज तो एक गलती समझ में समीक्षा होने से यही होता है कि वो दूसरी गलती की ओर चल देता है। बढ़िया। तो न्याय ही विधान, विधान ही व्यवस्था, ज्ञान वा ज्ञान, फिर से न्याय ही विधान, विधान ही व्यवस्था, व्यवस्था ही ज्ञान विवेक विज्ञान, ज्ञान विवेक विज्ञान ही नियम, नियंत्रण ही नियम, ही नियंत्रण और नियंत्रण ही न्याय है। इस अपनी काफी चर्चा हो गई है इस पर। न्याय विधान व्यवस्था ज्ञान व नियम के लिए प्रेरणा देने तथा इसमें निष्ठा उत्पन्न करने के लिए क्रम से विद्वान, विचारक तथा प्रचारक की उपादेयता अपरिहार्य है। क्या मतलब है कि इस सब के लिए, अर्थात न्याय के लिए प्रेरणा देने के लिए, विधान मैं लोगों को प्रेरणा देने के लिए, व्यवस्था के लिए प्रेरणा देने के लिए, ज्ञान और नियम को के रूप में प्रेरणा देने के लिए, और इसमें लोगों में निष्ठा उत्पन्न करने के लिए व्यवस्थापक की, विधायक की, विद्वान की, विचारक की उपादेयता अपरिहार्य है। अपरिहार्य माने मस्ट है, चाहिए ही चाहिए। तो व्यवस्थापक भी चाहिए, विधायक भी चाहिए। अब ये सब क्या है, व्यवस्थापक, विधायक, विद्वान, प्रचारक, विचारक, इनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, क्योंकि आप जब इनको पढ़ेंगे नीचे तो ऐसा लगेगा इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, हर कोई इंक्लूडिंग प्रजा, लास्ट में प्रजा लिखा है, वो मानवीयता से संपन्न होना इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। फिर क्या बात हो रही भाई, तो फिर क्या हो रहा है कि मानवीय से संपन्न समाज में भी है ना, क्योंकि बच्चे भी रहेंगे है ना, बुजुर्ग भी रहेंगे, तो उसमें भी जो व्यवस्थापक का काम रहेगा, विधायक का काम रहेगा, तो ये बेसिकली क्या है, ये सामाजिक पद है। व्यवस्थापक एक सामाजिक पद है ना। जैसे आज की भी अपन अपन देखें तो हम जो कह रहे हैं लेजिस्लेटिव है ना, और जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये जो तीन व्यवस्था के ओवरऑल है ना, संचालक चालन की जो प्रक्रियाएं हैं, तो एक जागृत समाज में भी व्यवस्थापक चाहिए, जिससे कि न्याय स्थापित हो सके, उसके लिए लोगों में प्रेरणा आए, उसमें निष्ठा उत्पन्न हो है ना, नियम के प्रति, व्यवस्था के प्रति है ना, समझदारी, अध्ययन करने के प्रति, ज्ञान को स्थाप अपने विचारने के प्रति, पहचानने के प्रति, इन सब में निष्ठा हो। इसलिए व्यवस्थापक, विधायक, विद्वान है ना, ये जरूर है कि व्यवस्थापक विधायक में मुझे लगता है कि कम से कम देव मानवीयता की बात चाहिए, बाकी है ना, बाकी लोगों में जो व्यवस्थापक, विधायक और विद्वान में, एक बार पढ़ भी लेते हैं डेफिनेशंस है ना, ये देव मानव, दिव्य मानव के काम है, बाकी का जो है ना, मानव के जीने की विधि, प्रकृति के साथ जीने की विधान है,
पारंगत हो, स्वयं नैतिकता का आचरण करने वाला हो, कराने वाला हो, तो प्रेरणा दे सके, तथा विपरीत आचरण करने वाले को। ये मजेदार बात है। अभी हम क्या करते हैं, जो हमारा संविधान है, तो बाबा ने कहीं लिखा है, आपका यदि ध्यान जाएगा तो देख पाएंगे, बलराज भाई और स्पष्ट रूप से बताएंगे, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं, विपरीत आचरण करने वाले को अभी हम क्या करते हैं, दंड देते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, व्यवस्थापक किसकी संज्ञा है, विपरीत आचरण करने वाले को समझदारी पूर्वक सुधार कर सकने वाले व्यक्ति की व्यवस्थापक संज्ञा। तो बाबा कह रहे हैं दंड का मतलब ही है सुधार, और सुधार का मतलब है अज्ञान, इस माने गलती की तो जरूर कुछ ना समझी होगी। मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता, ना समझी बस गलतियां होती हैं, और यदि मानव एक उम्र के बाद गलती करता हुआ पाया जा रहा है, इसका माने है कि जो पूरी मशीनरी है, जो पूरा व्यवस्था का डिजाइन है, जो पूरा खांचा ढांचा है ना, जो शिक्षा है, ये सारी की सारी किसी न किसी रूप में कहीं विफल हुई है। इसलिए उनको कैसे, एक हमारे लिए इंडिकेटर भी हो कि हम कहाँ असफल हो रहे हैं, उसको वहाँ भी ठीक किया जाए, और उनको समझदारी पूर्वक सुधार कर सकने वाले व्यक्ति की प्रक्रियाओं को स्थापन एवं पर्यावरण व संतुलन के योग्य स्पष्ट नीति निर्णय करने वाले विद्वान एवं व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति की विधायक संख्या है। तो विधायक भी विधि विधान में पारंगति है, और क्या नीति होनी चाहिए, क्या निर्णय होने चाहिए, क्योंकि जो प्राकृतिक संतुलन है, इस समय के अनुसार है ना, परिस्थितियों के अनुसार इसको बदलना भी पड़ता है ना। तो उसमें ओवरऑल नियम न्याय का बना ही रहता है संतुलन का, बट आवश्यकता अनुसार में जो परिवर्तन करना है, जो उसको स्पष्टता रहती है, उसको विधायक कहते हैं। विद्वान मानवीयतापूर्ण आचरण सहित मानव की परस्परता में, परस्परता के मध्य में पाए जाने वाली विषमता को समापहरण माने अपहरण कर ले, माने दूर कर दे विषमताओं को, ऐसे समाधान का निर्भ्रांत स्वरूप में अध्ययन कराने वाले व्यक्ति को ही विद्वान संज्ञा है। जो बेसिकली अध्यापन करा रहे हैं, शिक्षा संस्कार में जो भागीदारी कर रहे हैं, है ना, जिनको अपन अभी आज की भाषा में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये ना लेक्चरर, या जो टीचर, तो ये टीचर का रोल है विद्वान का, में ये योग्यता होना जरूरी है कि वो जो विषमताएँ हैं जो बच्चों में, या जो 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 जिज्ञासु है, उनको उनको योग समापन करने योग समाधान स्थापित कर सके, अध्ययन करा सके। विचारक मानवीयतापूर्ण आचरण सहित मानव की परस्परता के मध्य में बाई जाने वाली विषमता को समापहरण करने योग समाधान को प्रस्तुत कर सके, है ना, ऐसे व्यक्ति को विचारक कह रहे हैं, है ना। और प्रचारक, क्योंकि प्रचार की भी जरूरत होगी, लोगों तक इस बात को अलग अलग माध्यम से, कला के माध्यम से, है ना, सोशल मीडिया के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, नुक्कड़ के माध्यम से, ड्रामा के माध्यम से, तो नैतिकता चरित्र एवं मूल्य का कलापूर्ण ढंग से लोक जनमानस में विश्वास उत्पन्न करने वाले को प्रचारक की संख्या है। यहाँ पर मैं फिर स्पष्ट कर दूँ, प्रचारक भी, विचारक भी, विद्वान भी, विधायक भी, व्यवस्थापक भी, मिनिमम क्वालिफिकेशन उनकी मानवीयतापूर्ण आचरण से संपन्न रहना ही है। आज के प्रचारक को हम देखते हैं, अधिकतर जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, है ना, ये हमारी बहुत सारी चीज़ों का प्रचार करते हैं ना, जैसे सिगरेट को नहीं पीना है ना, या किसी चीज़ का, और भी बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन उनमें स्वयं में वो नैतिकता चरित्र मूल्य नहीं पाए जाते, इसीलिए धीरे धीरे इनके ऊपर से लोगों का विश्वास उठ रहा है। ये बाबा ने कहीं लिखा भी है कि अभिनय करता तो अभी ऐसा हो गया है कि उससे अच्छे से अच्छे, है ना, राजनेता का काम करवा लो, उससे अच्छे से अच्छे ना वकील का काम करवा लो, जज का काम करवा लो, भिखारी का भी काम करवा लो, उसके लिए तैयार है, बशर्ते पैसे मिलने चाहिए। तो यहाँ पर प्रचारक कह रहे हैं कि जो नैतिकता चरित्र एवं मूल्य का कलापूर्ण ढंग से लोक जनमानस में विश्वास पैदा कर सके, अविश्वास नहीं, विश्वास पैदा कर सके, ऐसे को प्रचारक कह रहे हैं, ऐसे रोल मॉडल्स की समाज में अत्यधिक आवश्यकता है सच्चाई को स्थापित करने के लिए। और प्रजा, प्रजा भी कैसी है, नियम सहित मानवीयतापूर्ण आचरण का पालन करने वाले प्रत्येक मानव की प्रजा संज्ञा है। विचारक तथा विद्वान ही प्रचारक हो सकते हैं, है ना, बहुत ही बढ़िया। शासन और शासक, शासन और शासक भ्रमित मानव प्रवृत्ति की उपज है,
शासक के विचारक तथा विचारक के शासक बनने की संभावना नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। शासक का मतलब है जो भय और प्रलोभन, जो कैरट और स्टिक है ना से काम करना चाहता है, उसकी कोई संभावना नहीं है वो विचारक हो सके, क्योंकि शासन करते समय मानव को व्यापक विचार करने का तथा विचारक व्यापक विचार करते समय शासन करने का अवकाश और अवसर ही नहीं होता है। क्या बात है, क्या बात है। शासक का मतलब यह कि वो बहुत सीमित अर्थ में, दायरे में चीजों को देख रहा है ना, तो वो व्यापक विचार ही नहीं कर पाता, मतलब वो समग्रता में चीजों को नहीं देख पाता है ना, और जो समग्रता में जिसको एक बार दिख गया वो शासन कर नहीं सकता, क्योंकि उसको उसकी निरर्थकता स्पष्ट हो चुकी। तो विचारक सदा सदा व्यवस्था का पोषक है और शासक सदा सदा व्यवस्था का शोषक है, और कई बार हम आज जो शासन है उसी को हम व्यवस्था मान लेते हैं, और फिर हम ये बोलते हैं कि व्यवस्थाएं काम क्यों नहीं कर रही है ना। तो शासन और व्यवस्था दो एकदम अलग अलग चीजें हैं, तो अच्छे से अपने को मन लगा के अध्ययन करना चाहिए, उसमें और स्पष्टता बढ़ेगी। जब व्यक्ति व्यवस्था अर्थात अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में समाधान पूर्ण विधि से अपने वैचारिक जीवन की प्रतिष्ठा योग्य क्षमता योग्यता एवं पात्रता को अर्जित कर लेता है, तब वह व्यवहार पक्ष की समस्याओं के समाधान से युक्त हो जाता है तथा यही इनकी तृप्ति भी है। ऐसे व्यक्ति में क्षोभ का अभाव हो जाता है, यही मानवीयता का वैभव। तो ऐसा जब व्यक्ति व्यवस्था अर्थात अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में समाधान पूर्ण विधि से अपने वैचारिक जीवन की प्रतिष्ठा योग्य क्षमता योग्यता पात्रता, मतलब व्यक्ति जब कम से कम अपने परिवार में स्थापित हो जाता है, अपने मित्रों में स्थापित हो जाता है, तब वह व्यवहार पक्ष की समस्याओं के समाधान से युक्त होता है, और यहाँ से ही इसकी तृप्ति का स्रोत भी है। ऐसे व्यक्तियों में क्षोभ का अभाव हो जाता है, यही मानवीयता का वैभव है। न्यायपूर्ण व्यवहार को स्वीकारने का अर्थ ही समाधान की उपलब्धि के लिए प्रयास एवं, ये बहुत ही गजब का सूत्र है कि हमारे में प्रयास होता कब है, हम प्रयोग करते कब हैं, तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे ही मुझे न्यायपूर्ण व्यवहार अवसरवादी व्यवहार से श्रेष्ठ है यह स्पष्ट हो जाता है, उस समय से हम उसके लिए प्रयोगरत या प्रयासरत होते हैं। न्यायपूर्ण व्यवहार से समाधान की उपलब्धि निम्न क्रम में होती है, कैसे होती है, क्योंकि मानव द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं विचार आश्रित, हम जो कुछ भी करते हैं उसके मूल में विचार होना जरूरी है, बिना विचार के कोई नहीं। अतः वैचारिक कुशलता से ही क्रिया की निपुणता, वैचारिक शिष्टता से ही व्यवहारिक कुशलता, व्यवहारिक कुशलता से ही वैचारिक पारंगत्व, वैचारिक पारंगत्व से ही भाव का शिष्ट भाषाकरण संभव है। यथार्थता का अध्ययन ही वैचारिक समाधान है तथा सत्य अनुभूति ही आनंद है जो सफलता की पराकाष्ठा। तो क्या कह रहे हैं, सारा जो भी व्यवहार करते हैं वो सारा विचार आश्रित है, इसलिए विचार में जितनी कुशलता होगी उतनी ही क्रिया में निपुणता आई देगी, मतलब उतना जितना विचार में हम स्पष्ट होंगे उतना ही हम कार्य में निपुण होंगे। यदि हम इसकी शर्त में देख रहे हैं अभी इसको, यहाँ हम बात कर रहे हैं, जैसे मुझे विचार में जितना स्पष्ट है कि है ना आलू की सब्जी कैसे बनानी है, यदि हम इसको निपुणता कह रहे हैं, क्योंकि उस निपुणता कह रहे हैं कार्य पक्ष को है ना, प्रकृति के साथ जो हम उत्पादन में, जैसे जितनी उसको विचार में स्पष्टता है ना उतना ही अच्छा वो खेती कर पाएगा है ना, एक मकान की डिजाइन कर पाएगा, ऐसे ही विचार में जितनी शिष्टता की स्पष्टता है उतना ही व्यवहार में वो व्यक्त हो पाएगा, और जितना व्यवहार कुशलता से फिर फीडबैक जाएगा उसके पास है ना, कितना व्यवहार कुशल हो पाता है उससे फिर उसका वैचारिक पारंगत्व बढ़ता है, ये लूप मैकेनिज्म है ना, और फिर वैचारिक पारंगत्व से ही भाव का शिष्ट, और उसमें देखेंगे भाव को व्यक्त करने में उसकी भाषा में और शिष्टता आती रहती है। ये सब कैसे हो रहा है, यथार्थता का अध्ययन ही फाइनली वैचारिक समाधान है तथा सत्य अनुभूति ही आनंद है,
जो जो सफलता की पराकाष्ठा है, मन सत्य अनुभूति हो जाना ही फाइनली मानव के सफल होने का मतलब है। समस्त व्यवहार समस्त व्यवसाय मात्र इसलिए कर रहे हैं समृद्धि की अपेक्षा से, और समस्त व्यवहार परिमार्जित मानव समाज न्याय के पोषण की मूल भावना से मानवीयता संपन्न समस्त भावपूर्ण भाषा प्रसारण क्रिया को मानव के अभ्युदय एवं विकास की कामना से सत्यता में अनुभूति व अध्ययन मानव ने विश्राम की आकांक्षा से। क्यों क्यों कौन कौन सा काम व्यवसाय क्यों कर रहे हैं? तो समृद्धि के लिए, है ना, मानवीयतापूर्ण। समस्त व्यवहार क्यों कर रहे हैं? समस्त व्यवहार परमार्जित मानव समाज न्याय के पोषण की भावना से, न्याय का पोषण हो इसके लिए व्यवहार, समृद्धि आए इसके लिए व्यवसाय, मानवीयता संपन्न समस्त भावपूर्ण हम भाषा प्रसारण, अभी हम सब जो भी चर्चा कर रहे हैं पर्पज क्या है इसका, हम इस अभी जो अध्ययन सत्र भी चला रहे हैं न्याय के लिए, मान पठन कर रहे हैं परस्पर, किस लिए पर्पज क्या है सारा? तो सारा भाषा प्रसारण क्रिया में मूल पर्पज है अभ्युदय एवं विकास की कामना से। क्या जबरदस्त है! अभी आप टीवी प्रोग्राम देखो, सारा प्रसारण हो रहा है इसलिए मनोरंजन के लिए, जबकि वास्तव में संपूर्ण प्रसारण होना है उसमें एक ही उद्देश्य होने की जरूरत है, वो है अभ्युदय एवं विकास की कामना, ना कि टाइम पास प्रोग्राम, है ना, ना कि कंज्यूमरिज्म को फैलाना, ना कि, है ना, शोषक शोषण करना, ये सब नहीं है प्रसारण में। इसीलिए टेली कम्युनिकेशन जो कहा भी था कि उसकी अधिकता से आदमी में, है ना, तो ठीक नहीं लगता है अधिक, है ना, जबकि क्या तो था, आहार आवास अलंकार की अधिकता से संतुष्टि और दूरदर्शन दूरगमन दूरश्रवण की अधिकता से असंतुष्टि। तो ये जो भाषा पर प्रसारण या जितने भी हम टेली कम्युनिकेशन प्रोग्राम ना दौड़ने का भी, और इस सब से हमें असंतुष्टि क्यों हो रही? क्योंकि उसके मूल में ही हम भूल गए कि अभ्युदय एवं विकास की कामना से ही उसमें सफलता है। इसी तरह से सत्यता में अनुभूति और अध्ययन मानव ने विश्राम की आकांक्षा से किया है, इस अध्ययन की सफलता विश्राम की कामना से है, जिस तरह से व्यवसाय की सफलता समृद्धि के लिए है ना कि संग्रह के लिए, व्यवहार न्याय के लिए है, और संपूर्ण भाषा प्रसारण, है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि जब हम न्याय संपन्न होंगे मानवीयता समाज होगा उस समय प्रसारण रुक जाएगा। इन सारे इंटरनेट का, टीवी का, सारे माध्यमों का सही अर्थों में बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्ग में कैसे अभ्युदय और विकास स्थापित हो सके, इस कामना से ये बहुत अच्छे टूल्स आ गए हैं मानव में जो होना है जागृति, क्योंकि टूल्स का उपयोग करने वाला मानव है, इसका विकास नहीं होता है इसलिए हर चीज का दुरुपयोग हो जाता है। इसकी बड़ी सुंदर ढंग से, है ना, ध्यान आकर्षण, है ना, छोटे छोटे सूत्रों में किया। एक तो मैं आपको ये बता दूं, 6-7 मिनट बचे हैं, हो सकता है मैं 2-4-5 मिनट ज़्यादा लूं। आज का शाम का सत्र, है ना, हमारी मृदु बहन और अंकित भाई लेंगे, बहुत ही शानदार, है ना, मृदु बहन बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, है ना, और अंकित भाई भी, है ना, तो इनको आप जरूर 3:30 बजे सुने, और हो सकता है आज मैं 5-10 मिनट ज़्यादा ले लूँ, है ना, मैं चाहता हूँ इसको हम क्लोज कर दें। इसके जो भी Q&A होंगे उसको मैं किसी और समय या फिर हम टेलीग्राम पर कर लेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा मैं कि ये हो जाए। अपने पास 7 मिनट हैं और शायद कुछ कुछ तो बचा ही है, लेट अस सी। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप 2-4-5 मिनट मुझे अधिक दे देंगे। बढ़िया, बहुत ही गजब गजब के सूत्र आ रहे हैं, बहुत ही व्यवहारिक यहाँ पर अब बात कर रहे हैं। उत्पादन से अधिक उपभोग, प्रयास एवं प्रवृत्ति, समाज शोषक सिद्ध। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम कंज्यूमरिस्ट हो रहे हैं, है ना, आज की स्थिति में देखें। कंज्यूमरिज्म का मतलब ही है हम उत्पादक उत्पादन कम करते हैं और हम उपभोग अधिक करना चाहते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है, इसके लिए जो प्रयास है, ये बेसिकली समाज का शोषण का प्रयास है, और यही अपन देख भी रहे हैं। और एक गजब का सूत्र अपन ने पढ़ा था, शोषक का शुष्क होना अनिवार्य है। क्या बात है! ऐसा भी नहीं है कि जो शोषण कर ले जा रहा है वो बड़ा खुश हो जा रहा है, अरे वो शुष्क हो जाता है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया नियम से होती है। तो हर शोषक का शुष्क का क्या मतलब है? हमारे भैया क्या बात कर रहे हैं यार, शोषक तो बड़े मुस्कुराते दिखते हैं। भैया शुष्क का मतलब है भाव शून्यता, है ना, उसमें जो भी स्नेह है उसका अभाव, मुस्कुराने का अभाव नहीं है, वो तो दिखावा है,
स्नेह का अभाव, कृतज्ञता का अभाव, है ना, सम्मान का अभाव, ममता का अभाव, पोषण का अभाव, ये जो अभाव है इसका नाम है शुष्क हो गया है। इसीलिए जो बहुत संपन्न सफल लोग दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है, किसी ने बढ़िया कविता भी लिखी है कि हम मुर्दों के घर में पहुंच गए हैं, माने आदमी जीते हुए भी मुरझाया हुआ है क्योंकि शुष्क हो चुका है, उसमें ये सारी चीजों का अभाव पाया जाता है। तो जब भी समाज में हम जो प्रेरणा दे रहे हैं कि अधिक से अधिक कंज्यूमरिज्म कीजिए, कंज्यूमरिज्म माने उपभोग, ये बिल्कुल समाज को शोषक बनाने की ओर है। तथा मात्र अवसरवादिता ही है, किसी ने पूछा था अवसरवादिता क्या है, तो कई जगह इसको अपन ने पाया है, मूल में देखेंगे तो अमानवीयतापूर्ण जो कार्य व्यवहार है, सुविधा संग्रह भोग, है ना, की जो प्रवृत्ति है, प्रिय हित लाभ की जो प्रवृत्ति है, कम दे करके अधिक लेने की जो प्रवृत्ति है, कम उत्पादन करके अधिक उपभोग कर लेने की जो प्रवृत्ति है, यही सारी प्रवृत्ति अवसरवादिता है। न्यायवादी व्यवहार से आवश्यकता से अधिक उत्पादन व समाज न्याय पोषक होना सब। तो न्यायवादी व्यवहार करते हैं तो हर परिवार अपनी आवश्यकता से अधिक को उत्पादन करना ही चाहता है और इससे कम में समाज में पोषण प्रमाणित भी नहीं हो पाता है, तभी समाज में न्याय का पोषण होता है। अवसरवादी व्यवहार में, और स्पष्ट कर रहे हैं, अवसरवादी व्यवहार में पर धन, भाई अब आप उपभोग अधिक करना चाहते हो, उत्पादन कम करोगे तो दूसरे के धन पे नजर रहेगी क्योंकि आप तो कर नहीं रहे, तो कैसे दूसरों की जेब से पैसा अपनी जेब में आ जाए, यही काम रह जाएगा। तो अवसरवादी व्यवहार में पर धन, पर नारी और पर पीड़ा का समाविष्ट होना आवश्यक है, जिसके लिए अमानवीयतावादी मानसिकता, अमानवीयतावादी भाषा, अमानवीयतावादी प्रसारण प्रोग्राम, अमानवीयतावादी प्रकाशन, प्रकाशन माने जितनी भी नॉवेल्स हम लिख रहे हैं, कहानियां लिख रहे हैं, है ना, ये सब जो आप मैगजीन्स पढ़ो, है ना, ये सब उसी के ऊपर है। टॉप 500, फोर्थ 500, अरे यार इतना पैसा इकट्ठा किया कहाँ से उसने, इस पर कोई चर्चा नहीं है, उसके लिए हम फोर्थ 500 और बड़ा तालियां बजा रहे हैं कि अब तो इंडिया वाले भी 25 पहुंच गए। इसका मतलब है कि इंडिया में भी ये मानसिकता बहुत तेजी से फैल रही है ना। उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि हम गुलाम कैसे, हम पहले ही मानसिक गुलामी का शिकार है ना, इसको हम पहचान ही नहीं पा रहे, हाँ मतलब बात कर रहे हैं। एनी वेज, तो कैसा अमानवीयतावादी मानसिकता के लिए हम काम कर रहे हैं, उसी भाषा को यूज कर रहे हैं, उसी के लिए सारा प्रसारण है, उसी के लिए सारा प्रकाशन है, उसी के लिए सारा प्रदर्शन है, चाहे वो मूवी बनाओ, चाहे वो नुक्कड़ प्रोग्राम करो, चाहे वो इंटरटेनमेंट प्रोग्राम करो, फूहड़पन के, है ना, जोक्स पे हम हंस रहे हैं, तो ये सब चीज़ें, क्योंकि ये अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? यदि आपको कंज्यूमरिज्म बढ़ाना है भैया, यही करना पड़ेगा। क्यों? आदमी को पीड़ा होती है तो इंटरटेनमेंट प्रोग्राम चलाओ, थोड़ी देर के लिए उसको, है ना, वो जो अफीम देने जैसा प्रोग्राम है, ना, थोड़ी देर के लिए आदमी हंस लेता है, तो जिससे भ्रामकता का तथा विलासता का ही प्रचार होता है, जो मानव कुल को असंतुलित, व्याकुल तथा त्रस्त किए हुए। हमारी बड़ी पीड़ा है कि हमारे बच्चे, हम माता पिता में तो ऐसे कोई खराब संस्कार नहीं है, बच्चों में नहीं आ रहे, क्योंकि बच्चे तो समाज का, समाज में जीते हैं, है ना, तो मानव कुल असंतुलित हो रहा है इस तरह के उससे, और हम चुपचाप बैठे हैं और फिर हम अपने को अच्छा आदमी बोलते हैं। संवेदनशील होना अच्छा लगता है, अच्छा है नहीं, समझदारी संज्ञानीयता ही अच्छा है, जिसमें संवेदनाएं विलय ही रहती हैं, है ना, इसको बहुत अच्छे से अपने को देखना चाहिए। उपरोक्त अनुसार मानव, अच्छा एक और जबरदस्त सिद्धांत, मानव गलती करने का अधिकार लेकर तथा सही करने का अवसर एवं साधन लेकर जन्मता है। तो हर मानव गलती करने का अधिकार से संपन्न ही है क्योंकि भ्रमित है और श्रेष्ठ काई है प्रकृति की, है ना, लेकिन श्रेष्ठता उसमें ये भी समाई हुई है कि सही करने का अवसर है, साधन शरीर के रूप में साधन की बात कर रहे हैं, और मन वृत्ति चित्त बुद्धि ये हमारे टूल्स हैं, अंतरंग साधन और बहिरंग साधन के साथ ही जन्मता है। इस प्रकार उपरोक्त अनुसार मानव को न्यायवादी बनाने हेतु, उपरोक्त अनुसार मानव को न्यायवादी बनाने हेतु तथा न्याय में निष्ठा उत्पन्न करने हेतु उसे स्वभाववादी बनाने के लिए व्यवस्था व शिक्षा संस्कार का योगदान आवश्यक है। भैया इसमें अपन जितने भी लोग जुड़े हैं उनसे मेरी ये प्रार्थना भी है कि कैसे हम इसको
शिक्षा संस्कार में लाएं, आप अपने अपने स्तर पर अपने अपने जिस तरह से भी लोगों को प्रेरित कर सकें उनमें इस बात को, है ना। और सबसे मुख्य बात, मैंने हम विचारक प्रचारक बने, इसमें मुख्य बात क्या है कि हम अपने में स्वयं में ठीक से अध्ययन का मन बनाएं, स्वयं अध्ययन संपन्न हों, अपने आचरण में इसको प्रमाणित करें और दूसरों को प्रेरणा दे सकें। ये सब काम अपने को करना पड़ेंगे, यही अपने को करने योग्य काम भी है। तो उपरोक्त अनुसार मानव को न्यायवादी बनाने हेतु तथा न्याय में निष्ठा उत्पन्न करने हेतु उसे स्वभाववादी बनाने के लिए, क्योंकि इसके लिए व्यवस्था और शिक्षा संस्कार का योगदान आवश्यक है। तो भैया अपना, हम अपने ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जिनका अपनी पीढ़ी का काम तो चल जाएगा, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, बच्चे पहले ही कह रहे हैं कि पापा हम तो अपना कमा लेंगे, आप हमारे लिए इकट्ठा मत करो। तो ये भैया मोह को इसको माने व्यवस्था को समझें, बाकी के भी अपने ही बच्चे हैं, हम समाज का हिस्सा हैं, उसमें अपने जन बल धन बल यश बल को अधिक से अधिक योगदान दें। पहला योगदान स्वयं को समझदार बनाने के लिए ही है। भ्रांति ही अवसरवादिता में आसक्ति का कारण है, भ्रांति मात्र आरोप है। आरोप का मतलब अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन, आरोपित मूल्य है, इसको अपने को ठीक से पढ़ना चाहिए, भ्रांति से मुक्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए। भ्रांति के विपरीत में ही निर्भ्रमता है, निर्भ्रमता ही न्याय का कारण है। एकमात्र न्याय योग्य करने की योग्यता आने के लिए हमें निर्भ्रम माने सच्चाइयों को जैसा है वैसा समझना ही होगा। निर्भ्रमता के फल स्वरूप समाधान, क्या बात है, उसके फलन में ही समाधान है, मनोबल है ना, मनोबल बढ़ जाता है, क्या ताकत है ना। सुख मतलब बहुत ही सिंपल चीज है, देखो मैं जस्ट एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, मनोबल को देखिए। बाबा है ना राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं, और मैंने सोम भाई से सुना है, सोम भाई एक कुछ मीटिंग्स में रहे भी, तो मनोबल देखिए, उनसे कह रहे हैं कब तक और आप है ना, या अपराध के अलावा आपने किया ही क्या है ना। तो वो भी मैंने दो दो श्रेष्ठ लोगों के वार्तालाप को सुन सुन के देखने सुनने का भी एक मजेदार मैंने एक एक्सपीरियंस है कि वो कह रहे हैं तो बताइए इसका उपाय क्या है इससे मुक्त होने का। तो बाबा कह रहे हैं परमाणु निरस्त्रीकरण पर काम कीजिए, है ना। तो क्या गजब की बात है, तो कहाँ से मनोबल आ रहा है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति से या किसी से भी है ना इस तरह से जो वार्तालाप कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने सोम भाई को भी सुना कि जब जब नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे, है ना, और मैं भी उस मीटिंग में तो नहीं था, बट उस मीटिंग का जो प्रोग्राम चल रहा था, जो बहुत सारी DYSPs की मीटिंग मैंने जो शिविर चल रहा था उसकी जो पासिंग आउट परेड में आए, और उसके फलस्वरूप जो सोम भाई का मिलना हुआ, तो सोम भाई ने भी नरेंद्र मोदी जी से कहा कि चर्चा में उन्होंने कहा कि आप इसको गुजरात में कीजिए, तो उन्होंने कहा कि आपके पास जिस समय 7 दिन होंगे तब इसको करेंगे। ये जो मनोबल है ना, क्योंकि हम आपको कुछ देने आए हैं, क्या कह रहे हैं, मैं आपसे मुझे कुछ चाहिए नहीं, आपको कुछ देना चाहता हूं, ये मानव का मनोबल है। क्योंकि वो अपने अभी अभी हम जो अभी क्या चाहते हैं, हमें दूसरों से धन चाहिए, मानव समृद्ध है ना, मानव पद में समृद्धि है, समृद्धि का प्रमाण उदारता है। वो एक कहता है आपको कुछ देने आया हूं, आपको यदि कुछ चाहिए, आप में जिज्ञासा उदय होती है, तो मैं अपने तन मन धन से आपको कुछ देने की ताकत से संपन्न हूं, क्या गजब मनोबल है। तो निर्भ्रमता ही न्याय का कारण है, निर्भ्रमता के फलस्वरूप समाधान, फलस्वरूप मनोबल, सुख, कर्तव्य में निष्ठा, स्नेह, अनुराग, शांति, संतोष, प्रेम, सहजता, सरलता, उत्साह, आह्लाद तथा आनंद सहज उपलब्धि है। मानव पद गजब पद है, उसकी हमारे पास झलक भी नहीं है, इसलिए हम उसके प्रति प्रायोरिटी नहीं बना पा रहे। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, मैं जब ये सारे हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसकी एनालिसिस भी करता रहता हूं, तो मैं देखता हूं कि नॉर्मल जो हमें 60-65-70 लोग दिखाई देते हैं, नॉर्मल वॉच टाइम वो 25 मिनट ही है, मतलब वो पूरा घंटा भी हम लोग नहीं लगा पा रहे हैं इस लॉकडाउन की स्थिति में। तो ये सोचना पड़ेगा हमारा कितना कमिटमेंट है ना, इसको मन बनाइए, समझने के लिए अपनी जिज्ञासा को स्थापित करना ही पड़ेगा। समझने से कम में कोई उद्धार होने वाला नहीं है, और उसके लिए ठीक से पठन, ठीक से श्रवण, ठीक से मनन, अपने तर्कों को लगाना, अपने चित्त में चित्रण कर पाना। हम वीडियो क्लिपिंग दिखा सकते हैं, लेकिन अपने चित्र में जब तक चित्रण नहीं होगा, मुझे अच्छी तरह याद है बचपन में मैं रामायण सुना करता था, मेरे मित्र की माँ पढ़ती थी, और उस समय जो वो रामायण पढ़ रही और अपने में जो चित्र होते हैं
है ना, राम के चरित्र को देख करके ऐसा बनने का, है ना। तो ये जो अपने में जो चित्र होता है, अभी हम पावर पॉइंट के द्वारा कितने ही चित्रण को दे दें, अपना चित्रण यदि स्पष्ट नहीं हो पाता है, हम अपने जीवन में चित्रों को नहीं देख पाते हैं, ये सफल नहीं है, ये एड है, ये सहयोगी है, ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जिसका सुनने में ही मन नहीं लग रहा, उसको चित्र के माध्यम से हम मन लगा सकते हैं, लेकिन एक समय तो हमें स्वयं ही ध्यान देना होगा, अपने अपनी ही आशा विचार इच्छाओं को नियोजित करना पड़ेगा, अपने का मन बनाना पड़ेगा। इससे कम में होने वाला नहीं है, ऐसा लग रहा है 5-7 मिनट और लगेंगे। बढ़िया। समाधान अर्थात क्यों कैसे की पूर्ति अथवा क्रिया से अधिक ज्ञान की समाधान संज्ञा है, ये बहुत स्पष्ट है। मनोबल केंद्रीकृत मनः स्थिति अर्थात समझदारी को प्रमाणित करने में मनोयोग्य स्थिति की मनोबल संज्ञा है। सुख न्याय में दृढ़ता की सुख, उत्तरदायित्व का वहन करना, है ना, जो मेरी अपेक्षाएं हैं मुझसे, मेरे माँ को, पिता को, भाई को, समाज को, राष्ट्र को, हाँ विश्व को, उसके अनुरूप मेरे जो कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, उनमें निष्ठा, माने उसमें निरंतरता पूर्वक जी पाना, इसी को कर्तव्य में निष्ठा कह रहे हैं। स्नेह न्याय धर्म सत्य में निर्विरोधता, अनुराग निर्भ्रमता से प्राप्त आपलावन, ये जो समाधान से प्राप्त जो आपलावन है, शांति वेदना विहीन, है ना, वैचारिक स्थिति, कोई पीड़ा नहीं है उसमें, है ना, तो पीड़ा मुक्त करुणा है, करुणा से, दया से, कृपा से, ये बहुत ही बहुत छटल अंतर है और बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है पीड़ा से कम में हम कैसे काम करेंगे, क्योंकि करुणा और पीड़ा में जमीन आसमान का अंतर है। करुणा पूर्वक काम करने में ये वेदना विहीन वैचारिक स्थिति है, उसके बाद कुछ ज्यादा सार्थक, मीनिंगफुल, लॉन्ग लास्टिंग कार्य और योजनाएं आदमी कर पाता है। संतोष जहां अभाव का अभाव हो गया, समृद्धि हो गई, अब हम उदार हो गए, दूसरों को देने लायक बन गए, हमारे हाथ में अब कटोरा नहीं है, जब बात कर रहे हैं यहां इससे कम में क्या मनोबल आएगा। तो अभाव का अभाव अर्थात समाधान समृद्धि के साथ अभाव से अभावित चित्रण विचार संपन्नता जो है, और प्रेम, प्रेम की गजब डेफिनेशन है। अपन लास्ट पेज पे ही आ गए हैं, आप लोग इतने ध्यान से सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रेम दिव्य मानव देव मानव की सानिध्यता, सामीप्यता, सारूप्यता तथा सालोक्यता प्राप्त करने हेतु अंतिम संकल्प की प्रेम संज्ञा। तो अब तो संकल्प हो गया है, श्रेष्ठ लोगों का सानिध्य चाहिए। सानिध्य का मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं है, जीवन रूप में सानिध्य का मतलब है, अब तो यही विचार बार 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 बार, ऐसे ही चित्रण, ऐसा जीने के लिए निष्ठा, ये हमारे में चला चलता रहता है। तो फिजिकल सानिध्य भी हो सकता है, प्रधान रूप में तो उसमें वैचारिक सानिध्य है, चित्त का सानिध्य है, बुद्धि को इसी में लगाए हुए हैं। ये दिव्य मानव देव मानव की सानिध्यता, के समीप होने का मतलब सारूपता, उस जैसा हो जाऊं, इसके लिए जो अंतिम संकल्प है, अभी हम प्रेम करने योग्य नहीं हुए, इस अंतिम संकल्प को भी प्रेम संज्ञा है। और फिर ऐसा उस अनुभव को पा जाने पर दया कृपा करुणा की जो संयुक्त अभिव्यक्ति है, जो मानव मात्र के लिए, प्रकृति मात्र में संतुलन स्थापित करने के लिए, मानव में न्याय धर्म को स्थापित करने के लिए, समाज में व्यवस्था स्थापित होने के लिए, जो ये दया कृपा करुणा की जो कंबाइंड एक्सप्रेशन है, उसको प्रेम कह रहे हैं। क्या बात है, क्या चीज है वो, है ना, बहुत गजमान। वचन और कर्म में जो एक सूत्रता की बात कर रहे हैं, इसको कह रहे हैं सहजता। एक और चीज मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि नीता जब मेरा वो लाइव तो नहीं सुन पाती है, बट सुन रही थी पिछली बार, तो मुझे बोली कि आपने बोला है कि, है ना, जो आया था कि पारदर्शक होना है, ट्रांसपेरेंट, तो उनका इस पे जरूर ध्यान दिला देना। ट्रांसपेरेंटी अभी जो हम बेवकूफी की स्थिति में हैं, भ्रमित स्थिति में हैं, इसमें मेरे मन में जो उल्टे पुल्टे विचार आते हैं, इसको दूसरों को बता देना, ये कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बल्कि ये ज्यादा अच्छा है कि मेरे मन में विचार उल्टे पुल्टे हैं और फिर भी मैं अभिनय करता हूं, मैं श्रेष्ठता के साथ जीना चाहता हूँ। ये अच्छी स्थिति है, कम से कम मानव दिखने में तो समाज में अच्छा बनना चाहता है, ये अच्छा बनने का उसका प्रयास अच्छे होने के रूप में सफल हो जाए, यही शिक्षा की व्यवस्था की एक एक व्यवस्था का कार्य है, सफलता है ना। तो इस तरह से जो जो सरलता और सहजता जिसको कह रहे हैं, जहाँ मन से, वचन से, काय में जो एक सूत्रता है, जो संगीत है, वो निर्भ्रम अवस्था की संगीत की बात कर रहे हैं, और हमारे अपने, है ना, तो हमारे लिए जागृति के लिए है ही है, इसलिए नीता बहन ने ध्यान दिलाया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
रहस्यता से रहित जो मानसिक स्थिति है, ये नहीं कि भ्रमित स्थिति, उसको सहजता नहीं कह रहे कि मैं तो अंदर बाहर एक एक जैसा हूं, है ना। क्योंकि कई शिविरों में ऐसा दिखाई देता है कि पति पत्नी बोल देते हैं, देखो भैया मैं तो उल्टा पुल्टा करूंगा, तुम भी कर लो। अरे बेवकूफी है, ये कोई रहस्य से मुक्ति नहीं है, ये कोई सहजता नहीं है, ये कोई सरलता नहीं है। सहजता सरलता पोषण के अर्थ में है, शोषण के अर्थ में नहीं है। ये तो मानवीयतापूर्ण आचरण के अर्थ में है, अमानवीय आचरण के अर्थ में नहीं है। जैसे मुझे अच्छी तरह से याद है, पहले कॉरपोरेट जब हम लोग ज्वाइन करते थे तो हर कॉरपोरेट ये कहता था कि हम तो यहाँ पर समाज उद्धार के लिए हैं। अब ये बहुत ऐसा जो ट्रेंड चला पिछले 20-25 साल में, आई एम हियर फॉर बिजनेस, है ना, आई एम हियर ओनली फॉर मोटिव इज प्रॉफिट। क्या बेवकूफ़ी है, हम कोई ट्रांसपेरेंट हो गए, बेवकूफ हो गए और यही प्रेरणा दे रहे हैं दूसरों को। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब है मानव संपन्नता से कम में ट्रांसपेरेंसी आती नहीं है, इसलिए उसकी पीड़ा भी रहती है। सरलता, आज तो बहुत फ्लो में आ गया भाई, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आप लोगों को। इसको क्लोज कर देता हूँ, है ना। मृदु बहन का भी सेशन है ना, बहुत अच्छा है, उसको आप सुने, 2-4-5 मिनट और लूंगा। सरलता क्या है, जागृति सहज स्वभावपूर्ण व्यवहार की सरलता संज्ञा है। कायिक वाचिक मानसिक रूप में नियमों को वचन पूर्वक प्रमाणित करना, तो बोलते भी हैं, करते भी हैं, सोचते भी वही हैं, और उसको जीने में जो है वो सहजता है, निर्भ्रमता, न्याय धर्म एवं सत्यतापूर्ण व्यवहार, भाषा भाव बोध संकल्प व अनुभूति, इसको कह रहे हैं कि अब मैं निर्भ्रम हो गया। विचार का प्रतिरूप ही भाव भाषा एवं व्यवहार के रूप में परिलक्षित होता है ना। तो हम जब कई बार बोलते हैं ना यार उल्टा पुल्टा गलती से निकल गया, ऐसा नहीं है भैया, उसके मूल में भाव को भी पहचाने, वो ठीक नहीं रहता है। तो सत्य अनुभूति योग क्षमता से व्यवहार भाव निष्ठा के रूप में है, तथा सह अस्तित्व ही मूल में पवित्र विचार है, इससे न्यायवादी व्यवहार प्रतिष्ठित है। अदरवाइज अन्यथा अवसरवादी व्यवहार करेंगे, जिसकी अप्रतिष्ठा है, दुखी ताड़ित ये सब होंगे। अवसरवादिता पर ही संयमता नियंत्रण तथा सुधार का अधिकार जागृति पूर्वक प्रमाणित होता है। अवसरवादिता पर नियंत्रण संयमता, केवल हम सोचें कि अब मेरे से गलती ना हो, कल से गलती नहीं करेंगे, उल्टे पुलटे विचार नहीं आएंगे, निगेटिव थिंकिंग नहीं करना है, ये काम नहीं करेगा, अध्ययन पूर्वक ही ये स्वयं स्फूर्त नियंत्रित होते हैं। श्रेष्ठ चीज मिलने पर उससे कम श्रेष्ठ की चर्चा कर चुके, न्यायपूर्ण व्यवहार प्रस्तुत करने योग्य क्षमता योग्यता एवं पात्रता को उत्पन्न करना ही एक से अनेक मानव द्वारा किए जा रहे अनवरत प्रयास का मूल उद्देश्य। तो बच्चा तो न्याय का याचक है ही, पूरी मानव जाति का एक ही काम है, उसको न्याय क्या है, न्याय कैसे कर पाते हैं, इस व्यवहार से प्रस्तुत करने योग्य उसमें क्षमता योग्यता पात्रता को उत्पन्न कर दें। न्यायवादी मानवों की परस्परता में सहज स्वभाव ही सामाजिकता है। अब सामाजिकता क्या है, कई बार लोग पूछते भी हैं, अपन भी सोचते हैं क्या चीज़ है। तो भैया भ्रमित लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो जाना सामाजिकता नहीं है, न्यायवादी मानवों की परस्परता में सहज स्वभाव ही सामाजिकता है, तथा यही मानवीयतापूर्ण समाज है। हम सब इसके लिए इस पठन का को बना पाए, हम सब सफल हों, इसी कामना के साथ। आप लोगों ने मुझे 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया, उसके लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभारी, नमस्कार।